call is now being recorded. आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हर बार की तरह हम कोई ना कोई ऐसे विषय लेते हैं जिनका किसी न किसी विशेष दिन के साथ भी संबंध होता है और किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ भी संबंध होता है। तो जब किसी व्यक्तित्व के साथ जोड़ करके और किसी विशेष दिन के साथ जोड़ करके जब कोई एक नया विषय लिया जाता है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और हमारे पास ये संभावनाएं भी आ जाती हैं कि उन विषयों के बारे में जिनके बारे में हम विचार करते हैं और मानते हैं उनकी एक एप्लीकेबिलिटी, उनकी रेलेवेंस, उनकी यूटिलिटी को हम मूल्यांकित कर लेते हैं और दोनों का तालमेल बिठाने का हम प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति के जो विचार रहे हैं, जो व्यवहार रहा है और जो प्रभाव रहे हैं और जो हम अपनी परंपरा से जो कुछ समझ पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, उन दोनों को आज की वर्तमान परिस्थितियों में उसमें उसकी संगतता पर हम विचार भी करते हैं और उसको एक ठोस रूप देने का प्रयास भी करते हैं ताकि उसको भविष्य में कभी हम प्रयोग में ला सकें। आज का ये जो दिन है आप सभी जानते हैं और विषय से भी जैसे स्पष्ट है कि इसे सुशासन दिवस का नाम दिया गया है और दिवंगत भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज ये लगा कि इन विषयों के ऊपर बातचीत करें और विषयों को थोड़ा सा ज़्यादा सीमित कर दिया कि हम इसको जैन और बौद्ध दर्शन, आचार और व्यवहार के संदर्भ में लें, उनकी संस्कृति के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें। अक्सर हम लोग संस्कृत के बारे में बात करते हैं और हमने इस पे आगे वेबिनार्स किए भी हैं, कई चर्चाएं भी की हैं और सोशल साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन विषयों पे विचार भी किए हैं, जिसमें से विशेष रूप से रामायण, महाभारत, किरात, आर्जुनियन आदि आदि ऐसे अनेक ग्रंथ रहे हैं जिनके आधार पे कई क्वेश्चनर्स भी डिजाइन किए गए और एक तुलनात्मक स्थितियां भी मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया, जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि सोशल साइंसेस में, पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में, हम भारतीय संदर्भों में भी एक मॉडल दे सकते हैं, व्यवहारिक मॉडल जो है वो गुड गवर्नेंस का दे सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आज की ये चर्चा को हमने थोड़ा फोकस किया है कि हम आज जैन और बौद्ध संदर्भों में गुड गवर्नेंस क्या रही है, क्योंकि दोनों में अपनी तरह का संघ भी रहा है, एक व्यवस्था भी रही है और केवल संघ और व्यवस्था ही नहीं रही है, वहां पर ऐसे ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अब एक तरह से आदर्श स्थापित किए हैं मनुष्यता के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा हमें आगे की अनेक संभावनाओं के बारे में जागरूक करेगी और हम लोग अग्रसर होंगे इस बात की ओर कि अपनी परंपरा से हम खोजें कि हम क्या भारतीयता को कैसे परिभाषित करें और गवर्नेंस को कैसे परिभाषित करें। तो चित्र जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे दोनों वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी अनुमति से कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये सारा देख पा रहे हैं कि दो चित्र देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस बड़ा मुश्किल है और डेमोक्रेसी के साथ साथ जब उसमें पार्टी आ जाती है, हालांकि संविधान में मेरा ख्याल पार्टी का जिक्र नहीं है कि आप पार्टियां बनाएं और इस तरह का व्यवहार करें, जहां तक मुझे संविधान की जानकारी है उसमें इस तरह की चीज उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वो एक बन गया है, पार्टी का व्यवहार बन गया है और पार्टी और डेमोक्रेसी इन दो के बीच में गवर्नेंस बहुत ही कठिन हो गई है और ऊपर से जो संविधान के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम बीच में ध्यान देंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों से ये भी बात करना चाहूंगा
आपकी ओर से, अपनी ओर से, हम सभी की ओर से महान व्यक्तित्व जिनके जिनको ध्यान में रख करके सुशासन दिवस ये घोषित किया गया है, दिवंगत श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है ही है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन एक उनकी स्लाइड के साथ फिर हम मूल विषय की ओर अग्रसर होंगे। आप जानते हैं कि वो राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी हैं, राष्ट्र कवि हैं, जिनमें राष्ट्रीयता उनका प्राण है। उनकी दो तीन लाइनें आपके साथ साझा में जरूर करना चाहूंगा। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। और एक अंतिम यहां पर उनकी एक कविता लेकर के उसके बाद मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो ऐसी उनकी अनडाइंग स्पिरिट जो है, उनके व्यक्तित्व में जो झलकता है, वो वाकई हम सभी के लिए आदरणीय है, श्रद्धा के पात्र हैं। और आज के दिन हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आते हैं आज के इस मूल विषय की ओर, जिस पे हम सभी चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। ये एक गवर्नेंस का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और कॉन्स्टिट्यूशनली जो आप लोग जानते हैं, ये उसका मॉडल है कि गुड गवर्नेंस, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, इक्विटेबल इंक्लूसिवनेस है, इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये कैसे संभव है। मैडम चंचल, प्लीज इसको माइक को ऑफ कर दीजिए और लॉ को जो फॉलो करे, पार्टिसिपेटरी भी हो, तो मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसे चल पा रहा है, क्योंकि विरोध करना जहां ओपोजिशन का काम है, और जो लोग इस स्थिति में है, शासन में है, वो लोग किस तरह से अपने कार्य को चलाएं, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप इस तरह की जो व्यवस्था दी गई है हमें, जिसको हमने आइडियल मान लिया है, उसको लेकर के मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि कैन दीज प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये एल बीच में से मिसिंग है, इसको ठीक कर लेंगे हम, इंडस्ट्रियल कम बिजनेस कल्चर कैन लीड टू द फॉलोइंग लेवल ऑफ सोसाइटी एवर। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये तो हमने प्रिंसिपल्स बनाए और बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े जोर शोर से इनको पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी ये भविष्य में संभव है कि न राज्यम न च राजा आसीत, न दंडो न च दांडिका, स्वयं प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। न राज्य था न राजा था न दंड देने वाला, स्वयं ही सारी प्रजा एक दूसरे की रक्षा किया करती थी। अब ये एक, मैं इसको आदर्श नहीं कहता, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक स्वाभाविक सा व्यवहार कभी समाज का रहा होगा, ये कोई आदर्श नहीं है। आदर्श की भाषा हमें वेस्ट में ही मिलती है, वहां पर आइडियलिज्म की बातें होती हैं, यहाँ जो कुछ भी है वो नीति है और वो आपका व्यवहार है। तो क्या इन गवर्नेंस के, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर ये संभव है कि हम इस तरह की सोसाइटी का निर्माण कर सकें भविष्य में? थोड़ा सा और इस विषय को देख लेते हैं कि गुड गवर्नेंस का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, जो उसका साध्य है, वो तो होता है लोक मंगल, लोक कल्याण। अब एक तरफ हम जैसे लोगों के लिए, हमारे पास उद्योग और व्यापार आश्रित भाषा है, जिसे आप लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका और ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आगे भी एक बार बात की थी, और उसमें संविधान में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, और उसके आधार पे हम कहते हैं कि ये देखो हमने लोकतंत्र बना दिया। अब उस लोकतंत्र का व्यवहार कैसा हो रहा है वो सभी आप लोग देखते हैं, मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं और अपने जनजीवन में भी देख रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारे पास संस्कृत की दृष्टि से, या आप यूं कह लीजिए कि भारतीय परंपरा में आपको जो शब्दावली मिलती है, राज्य, अमात्य, पुर, दुर्ग आदि आदि, जिसको हम अक्सर पिछड़ा घोषित कर देते हैं, और जो दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है कि हर व्यक्ति को पुरुषार्थ और ईर्ष्णात्रय, इनकी सिद्धि का उसको अधिकार है, और राजतंत्र में ये अधिकार देना सबसे प्रथम दायित्व है राजा का, अन्यथा वो राजा नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से हमें ये भी समझना होगा कि राजा का अर्थ कभी भी किंग नहीं होता। किंग जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क है, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, अपॉइंटेड बाय द गॉड और द चर्च डायरेक्टली। वेयर इज दिस राजा कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू प्रजा। अगर वो प्रजा रंजन नहीं करता, प्रजा को सुख नहीं देता, तो उसको राजा होने का अधिकार नहीं है। और एक मॉडल लेकर के हम आज के विषय पर चर्चा करने के लिए अग्रसर होते हैं कि गुड गवर्नेंस का ये एक स्टैंडर्ड हमें उपनिषदों में मिलता है। न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः, नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कोता। न तो मेरे राज्य में चोर है। मुझे लगता है कि क्या अमेरिका में ट्रंप से लेकर के, बिडेन से लेकर के, और बाकी किसी भी देश में कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कभी ये घोषणा कर पाएगा कि मेरे राज्य में ना तो कोई चोर, न कुत्सित दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति, न मद्यपाई, न कोई ऐसा गृहस्थी जिसके घर में अग्नि स्थापित ना हो, यानी कि खाने पीने की स्थितियां ना हो, कोई अविद्वान ना हो, कोई अविद्वान हो ऐसा भी संभव नहीं है, और न स्वेच्छाचारी पुरुष है तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहां से होती। कितनी बोल्ड डेक्लरेशन है ये, एक हमें स्टैंडर्ड मिलता है, एक पूरा एक हमें स्वरूप मिलता है कि सोसाइटी का वो स्वरूप क्या रहा होगा। और इतनी डेवलपमेंट के बाद क्या हम इस बारे में आज का कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ये बात कह सकता है। ये चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और गुड गवर्नेंस जो हमें संस्कृत में मिलते हैं, विभिन्न स्मृतियों में, संस्कृत शास्त्रों में, मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन वो सारे के सारे इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस हैं। टू पनिश द विकेड, टू प्रोटेक्ट द गुड, टू एनरिच ट्रेजरी बाय जस्ट मेथड्स, टू रेंडर जस्टिस इम्पार्शली टू लिटिगेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द किंगडम, दीज आर द फाइव यजनास टू बी परफॉर्म्ड बाय ए किंग और द स्टेट। तो मैं इन चीजों में अभी ज्यादा नहीं जा रहा, ये एक भूमिका के रूप में मैंने आप लोगों के साथ ये कुछ बातें साझी की हैं कि इन विषयों पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चनियर्स भी हमने डिजाइन और डिवेल्प किए। तो आज के जिन दो विषयों के ऊपर हम फोकस करेंगे कि उसमें जैन धर्म आचार और व्यवहार में जो ये पॉलिटिकल थॉट रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट रहा है, उसका स्वरूप हमें क्या मिलता है, और दूसरा हमें कि बुद्धिज्म में इसका स्वरूप हमें कैसे मिलता है, उसके लिए हमने विनम्रता पूर्वक आमंत्रित किया है आदरणीय जैनाचार्य पद्म मुनि जी महाराज जी को, कि उनसे विशेष निवेदन किया था कि ऐसे जैन राजाओं की जो कथाएं मिलती हैं उनके विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करें, और उनके आधार पर हम किस तरह के राज्य की परिकल्पना करते हैं। और दूसरे हमारे आज के जो विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, जो प्रोफेसर एंड हेड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, पीजी सेंटर एमयू, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, बिहार से वो हमारे साथ जुड़े हैं, और वो बुद्धिज्म की दृष्टि से हमारे साथ अगले 20-25 मिनट बात करेंगे। और अंत में जो वोट ऑफ थैंक्स जो है श्री राघव संजीव घारू जी प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि मैं पहले महाराज जी को आमंत्रित करूं चर्चा के लिए, मेरे पास लिस्ट ऑफ जैन किंग्स में ढूंढ रहा था, और एक बुक जो मैंने बहुत लगभग 30-35 साल पहले पढ़ी होगी, जैन पॉलिटिकल थॉट, अब वो उपलब्ध नहीं हुई मुझे, और मुझे उसका कोई विशेष ध्यान भी नहीं रहा। लेकिन आप ये देखिए कि जैन धर्म जैसे हमने केवल एक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया कि वो कहीं पर व्यवहार में नहीं आएगा, केवल एक धार्मिक चीज बना दी हमने, जो मुझे लगता है कि मॉडर्न थिंकर्स ने बहुत बड़ी ज्यादती की।
उसकी सोशियोलॉजी को हमने कभी नहीं उठा करके देखा, उसके पॉलिटिकल थॉट को नहीं कभी देखा। तो आप देखिए बड़ी एक लंबी लिस्ट आपको देखने में मिलती है। अबका चौथा, मैं सभी के नाम भी नहीं ठीक से पढ़ पाऊंगा, भामाशाह भी उसमें एक है, भोज टू है, बिंबसार है, बिंबिसार है, और बहुत सारे हैं जिनकी चर्चा मुझे लगता है आचार्य जी करेंगे। और प्रोफेसर भाषम इस विषय में कहते हैं कि दैट डिस्पाइट इट्स नॉन वायलेंस जैनिज्म नेवर स्ट्रॉन्गली अपोज्ड मिलिटरिज्म, सेवरल ग्रेट जैन किंग्स वर कॉन्करर्स एंड आइडल जैन किंग कुमार पल हु इज सेड टू हैव एनफोर्स्ड वेजिटेरियनिज्म थ्रू आउट हिज रियल्म इज नोवेयर एंड सेड टू हैव गिवन अप वॉरफेयर। सो ये एक बात है जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर यहाँ से हमें कुछ विषय मिलते हैं, इस तरह के दिशा निर्देश मिलते हैं, तो हम उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के विषयों में उनको लागू करने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि लगभग अगले 20 मिनट जो है 20-25 मिनट इस विषय पर हमारी जानकारी का वर्धन करें, हमें दिशा निर्देश दें, ताकि भविष्य में हम कभी इन विषयों को लोगों के आगे सुस्थापित कर सकें। आचार्य जी नमस्कार सर, मंचस्थ सभी विद्वद जन उन सब का भी अभिवादन करूंगा। जैसा कि सर ने परिचय दिया और ये सच्चाई है, जैन परंपरा में वर्तमान में एक प्रकार से आध्यात्मिकता इस कदर हावी नजर आती है कि जहां पर हम लोग कहें कि व्यवहार और राजनीति या सुशासन व्यवस्था वो गौण हो गई है, जबकि जैन परंपरा का उद्भव देखें और उसका विकास देखें और जैन परंपरा की समग्र यात्रा पर अगर दृष्टिपात करें तो ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि जैसे वैदिक परंपरा में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व रहा है, वैसे जैन परंपरा में क्षत्रियों का वर्चस्व रहा है और क्षत्रियों का भी वर्चस्व इस वजह से रहा होगा क्योंकि जैन परंपरा को प्रारंभ से सींचने वाले राजा रहे हैं। मैं तो यहां तक महसूस करता हूं कि जो जैन धर्म चला ये राज धर्म ही रहा होगा, अनेक राजाओं ने इस धर्म को स्वीकार करके अपने राज्य के अंदर इसको लागू किया और उनकी प्रजा भी इस धर्म का परिपालन करने लगी। और चूंकि जब राजा सुलझा हुआ हो, न्याय नीतिपूर्ण व्यवहार करने वाला हो, धर्म के सिद्धांतों का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में करने वाला हो, तो जनता से उसको करवाना नहीं पड़ता, राजा का अपना व्यवहार बोलता है और सहज ही उसके राज्य में जैसा धर्म वो जीता है उस प्रकार का धर्म प्रसारित हो जाता है। उसके बावजूद भी अनेक राजाओं ने जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनका भरपूर प्रचार प्रसार करने का अपने शासन काल में पूरा प्रयत्न किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम जनता को भी मिले, लोगों को भी मिले। अब ये कारण खोजना एक अच्छा शोध का विषय है कि जिस परंपरा में राजतंत्र इतना हावी रहा, राजतंत्र से ही जो परंपरा आगे बढ़ती चली गई, उस परंपरा में धीरे धीरे ये सुशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था क्यों इस कदर कम हो गई होगी, एक प्रश्न है। समय आने पर हम लोग इस पर भी संभवतः मंथन कर सकेंगे। आज तो केवल कुछ बातें ही मैं आपके सामने रख पाऊंगा। बात
मैं तीन भागों में बांट करके करूं। एक, राजाओं का ऐसा जीवन जो तीर्थंकर महावीर से पहले के हुए, और एक ऐसे राजाओं का वर्गीकरण कर लें जो तीर्थंकर महावीर के काल में हुए, उनके भक्त हुए, और राजाओं का अंतिम वर्गीकरण जो महावीर के बाद, तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के बाद जिन राजाओं का अपना वर्चस्व रहा, जिन राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले हम लोग। तो तीर्थंकर महावीर से पहले की अगर बात करें तो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, और 24 के 24 तीर्थंकर एक प्रकार से राजा ही हैं। एक धारणा है कि तीर्थंकर जो बनता है वो केवल क्षत्रिय ही बनता है, और क्षत्रिय भी वो जो राज परिवार से संबंधित हो, या तो राजा हो अथवा राजकुमार हो या राजकुमारी हो। 24 तीर्थंकरों में से एक राजकुमारी है, और बाकी कुछ राजा हैं और कुछ राजकुमार हैं। उन पर दृष्टि डालें तो जो प्रथम तीर्थंकर, जिनको हम ऋषभदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, अनेक उनके नाम हैं, ऋषभदेव को प्रथम राजा भी कह करके पुकारा गया है। जैन परंपरा के इतिहास की बात करें तो ऋषभदेव से पहले की जो व्यवस्था थी वो प्राकृतिक व्यवस्था थी। वहां पर आदमी कुछ नहीं करता था, प्रकृति से जो संसाधन हमारे को प्राप्त हो जाते थे उन संसाधनों से हमारा जीवन यापन हो जाता था। कर्मयुग नहीं था, न तो कोई कर्म करने की आवश्यकता थी, न कोई शासन की आवश्यकता थी। धीरे धीरे जब प्रकृति की चीजें कम होने लगी और छीना झपटी बढ़ने लगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तब जाकर के शासन की आवश्यकता महसूस हुई, और जैसे ये आवश्यकता बढ़ी तो कुल कर की व्यवस्था सामने रखी गई। तो ऋषभदेव से पहले 15 कुलकर हो चुके हैं। कहीं कहीं ऋषभदेव को 15वां कुलकर भी माना गया है, और कई स्थानों पर 7 कुलकरों की भी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ये कुलकर एक प्रकार से, आज की भाषा में हम उनका परिचय प्राप्त करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ग्राम का मुखिया, जो ग्राम का मुखिया है, जैसे अपने ग्राम में वो अपने व्यवस्था को संचालित करता है, लगभग लगभग उसी प्रकार के व्यवस्था को संचालित करने की कुलकरों की परंपरा थी। और उस समय भी बहुत ज्यादा शासन के विधान बनाने की या कानून बनाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। केवल 3 प्रकार की नीतियां उनकी हमारे को मिल जाती हैं, जिनको संक्षेप में कहा गया है हाकार, माकार और धिक्कार। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करे, अपराध आदि करे, तो केवल उसको ये बोलना पर्याप्त था कि हाँ तुमने ऐसा किया, जैसे हम किसी के लिए खेद प्रकट करते हैं कि बड़े श्रम की बात है तुम ऐसा काम कर सकते हो, इतना ही बोल देना उसके लिए मान लीजिए मृत्यु दंड जैसा दंड हो जाता था। इतना कह देना पर्याप्त हो जाता था, आदमी जो भी गलती कर रहा है उससे निवृत्त हो जाता था। उसके बाद जब ये हाकार नीति थोड़ी कमजोर होने लगी तो इसके साथ में एक और नीति जोड़ दी गई जिसको माकार नीति कहते हैं, कि ऐसा तो बोलो ही कि तुमने ऐसा किया, बड़े शर्म की बात है, उसके साथ में माकार मत करो, ऐसा मत करो, रोकने की परंपरा आ गई। और जब ये दोनों नीतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी तो तीसरी नीति का संयोजन करना पड़ा, उसको धिक्कार कह करके पुकारा कि धिक्कार है तुम्हें कि तुमने ऐसा कर्म किया। तो कुलकरों के समय में बाकी व्यवस्था उनकी बड़े आराम से चलती थी, जब कोई अव्यवस्था हो जाए, जब कोई खामी हो जाए, तब तो वहां पर ये 3 प्रकार की नीतियों से वो अपना कार्य संचालित कर लिया करते थे। उसके बाद आदिनाथ ऋषभदेव वो प्रथम राजा बने, और प्रथम राजा बनने के बाद उन्होंने जो जयंती इतिहास में मिलता है 80 अर्थात शस्त्र संचालन की जो कला है वो, मसी अर्थात लेखन की जो कला है वो, कृषि अर्थात किसान आदि की जो कार्य,
इस प्रकार से 72 कलाएं उन्होंने पुरुषों को सिखलाई, 64 कलाएं स्त्रियों को सिखलाई, और 100 प्रकार के शिल्प कर्म जिनमें दोनों के दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर के काम कर सकते थे, ऐसे 100 प्रकार के शिल्प कर्मों की शिक्षा दी। वहां से एक प्रकार से ऋषभ देव से जो पहले का अकर्म योग था वो कर्म योग में कन्वर्ट हो गया और आदमी कर्म करने लगा। अब जैसे जैसे कर्म योग बढ़ा तो धीरे धीरे लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां भी बढ़ने लगी, और जिसके कारण उनको शासन व्यवस्था को और मजबूत से मजबूत तर बनाना पड़ा। जो ऋषभदेव से पहले हाकार माकार और धिक्कार के रूप में पर्याप्त नीतियां थी वो कमजोर पड़ती चली गई, दंड व्यवस्था आ गई आदि आदि। आगे जैसे जैसे काल बढ़ता है वैसे वैसे ये शासन व्यवस्था के अंदर जैसे जब जिस नीति की आवश्यकता पड़ी या दंड की आवश्यकता पड़ी उन लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू किया। और उसी का एक रूप ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऋषभदेव ने, ये माना जाता है कि जो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें से 3 वर्णों की स्थापना ऋषभदेव ने की अपने राज्य काल में। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उन्होंने नहीं की, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो दूसरे की सहायता करने में सक्षम थे, बलशाली लोग थे, उनको क्षत्रिय नाम दिया। जो बुद्धिशाली थे, व्यापार से जो क्षेत्र का विकास करते थे, उनको वैश्य नाम दिया। और जो सेवा से ही अपना गुजर बसर कर सकते थे ऐसे लोगों को शूद्र नाम दिया। केवल उनकी भीतरी जो क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी उस बंदे के भीतर है उस प्रकार का ये समाज की या राज्य की व्यवस्था का ढांचा, जो प्राचीन काल का ढांचा, वो हमारे को मिल जाता है। उसके बाद ऋषभदेव सन्यासी बन गए, उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और उनके 100 पुत्र हुए, प्रथम भरत दूसरे बाहुबली, ऐसा करके उन्होंने अपना जो राज्य था वो 100 पुत्रों में बांट दिया। भरत चक्रवर्ती सम्राट बने और बाकी जो उनके पुत्र थे उनको भी अलग अलग राज्य दे करके उन्होंने अपना जो राजा का कर्तव्य था वो परिपूर्ण कर लिया, और अध्यात्म की ओर बढ़ करके वो केवल ज्ञानी बने, प्रथम तीर्थंकर बने। चक्रवर्ती बनने के बाद भरत ने दिग्विजय की, और दिग्विजय करने के बाद जब भरत सिंहासन पर बैठे तब एक कमी उनको नजर आई कि मेरे पिताजी ने 3 वर्णों की व्यवस्था तो की, किंतु एक चीज जो मैं महसूस करता हूं कि हम लोग जैसे राजा लोग हैं, राजा के ऊपर सारी की सारी पावर दे दी गई है। दूसरा व्यक्ति गलती करे तो हम लोग उसको दंडित कर सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, किंतु कभी राजा ही गलती करे तब कौन दंडित करेगा, कौन संभालेगा? राजा को सचेत करने का काम कौन करेगा? और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, जो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, ब्रह्मवेत्ता जिनको हम कह सकते हैं, या ब्रह्म की साधना करने वाले, ब्रह्मचर्य की साधना जिसको हम बोलते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य का अर्थ वर्तमान में बहुत संकुचित कर दिया गया है, उसको मैथुन वीरमणस के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द को ही देखें तो ब्रह्म का अर्थ है सत्य, और चर्य का मतलब सत्य में विचरण करने वाला। और जैनिज्म के अंदर भी आत्मा को सत्य कह करके पुकारा है, तो सीधी सी बात समझ में आती है कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर के जगत में से निकल करके आत्मा के जगत में प्रविष्ट हो गया और आत्मा के जगत में रमण करता है, उस व्यक्ति को हम लोग ब्रह्मचारी कह सकते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके एक प्रकार से कहें कि अपने ही ऊपर अंकुश लगाने वाले वर्ण की रचना की, और यही कारण रहा होगा कि प्राचीन काल से हम देखते हैं कि जब जब ये राजतंत्र जब जब चला तब तब एक राज पुरोहित अवश्य हुआ करता था, और राज पुरोहित अक्सर अध्यात्म की दृष्टि से राजा को सचेत करता था कि क्या राजा को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणाएं
राज पुरोहित दिया करता था, वही जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की, तो मैं समझता हूं कि वो राज पुरोहित के रूप में राजसभा के अंदर उनको आदर के साथ विराजमान करने की जो परंपरा रही है, ये उसी परंपरा का परिचय होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 24 के 24 जो तीर्थंकर हैं वो राज परिवार से संबंधित हैं। तो ये भरत चक्रवर्ती से आगे जो परंपरा चलती जाती है, सभी के सभी तीर्थंकर बनने से पहले राजा बनते हैं, राज्य की व्यवस्था संचालित करते हैं, और उसके बाद सारी व्यवस्था अच्छी करने के बाद वो सन्यासी बनकर के अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं और तीर्थंकर बन जाते हैं। ये सामान्य रूप से जैन तीर्थंकरों की जीवन यात्रा हम देख पाते हैं। ऐसे करके चले आते हैं महावीर काल तक। तो महावीर भी राजा तो नहीं थे, लेकिन राजकुमार थे। और महावीर के समय में भी अनेक राजा, जैसा कि उल्लेख हमारे को मिलता है, अभी डॉक्टर साहब ने जैसा लिस्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया, कुछ नाम उसमें भी हैं। हालांकि इतने सारे नाम हैं, उन सबको तो टटोलने के लिए मुझे भी थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान महावीर के समय में सबसे प्रसिद्ध जो नाम आता है वो आता है वैशाली गणराज्य के महाराजा चेटक का। रिश्ते में महावीर के ये नाना लगते थे, कई जगह इनको मामा भी बोला गया है, मामा अथवा नाना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये 18 प्रकार के राजा मिलकर के एक गण उनकी स्थापना की गई होगी, जिसके अंदर मल्ली और लिच्छवी नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के अंदर भी जो राजाओं के गणों का उल्लेख है, उसमें लिच्छवी, मल्ल आदि आदि राजाओं के गणों के नाम प्राप्त होते हैं। तो महाराजा चेटक जो थे वो 18 गणराज्य के प्रमुख माने गए हैं। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख तो थे ही, 18 जो गण राज्य रहे होंगे उस जमाने में, उसके प्रमुख राजा चेटक रहे हैं। और चेटक के ऊपर जो ये तीर्थंकरों की परंपरा है, महावीर से पहले के पार्श्वनाथ हुए, उनसे पहले के अरिष्टनेमिनाथ हुए, वहीं से संभवतः जब जहां से भी उनको ये शिक्षा मिली, जैन तीर्थंकरों की शिक्षा का प्रभाव इतना था उनके ऊपर कि एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा मैं। जैन परंपरा में जो सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है वो जीव दया को महत्व दिया गया है। जीव दया अर्थात किसी को मत मारो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, दूसरे के प्रति बहने वाली जो हमारे भीतर की करुणा है उसका कोई विकल्प यहां पर नहीं है। इसलिए इस जीव दया के कारण महाराजा चेटक जब भी युद्ध में जाते थे तो कहते हैं कि अपनी तलवार निकाल करके, जो हमारे साथ में होता है जिसको हम लोग रजोहरण बोलते हैं या पूंजनी बोलते हैं, उससे अपनी तलवार को क्लीन कर लिया करते थे। रजोहरण ऊन का बना हुआ होता है, दिगंबर मुनि मोर पे पंख रखा करते हैं, बड़ा सुकोमल होता है, और उससे जब हम लोग कहीं क्लीन करते हैं तो वहां पर जो आंखों से न दिखाई दे ऐसे जीव जंतु भी नहीं मरते, उनकी सुरक्षा हो जाती है, ये उनके पीछे धारणा है। तो जैसे तलवार म्यान के अंदर रखी गई है, काफी समय से रखे रखे वहां पर कोई जीव जंतु पैदा हो सकता है जो हमारे को दिखाई भी न दे, तो ऐसे जीव जंतु की भी सुरक्षा करके वो युद्ध करने के लिए जाते थे। किसी को बड़ा विचित्र ये कार्य लगा और उसने पूछ लिया कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, वहां पर जाकर के आप मनुष्यों को मारते हैं, मनुष्य का गला काटते हैं, और यहाँ पर तलवार के ऊपर कोई क्षुद्र जीव न हो इसलिए आप वो पूंछते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ये कैसा व्यवहार है आपका? तब राजा चेटक ने बोला था कि ये मेरा धर्म है, ये मैंने अपने तीर्थंकर भगवान से सीखा है, ये मेरा धर्म है, मैं कोई भी काम करूंगा तो पहले ही अपना व्यवहार निभाऊंगा, उसके बाद करूंगा। रही बात युद्ध की, मैं अपनी तरफ से कोई भी युद्ध का प्रयास नहीं करता, पहल नहीं करता।
किंतु जब सामने से कोई युद्ध के लिए मुझे निमंत्रण देता है, मेरी सीमा पर आकर के कोई आक्रमण करता है या मेरी जनता के ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो मेरी जनता की, मेरे राज्य की सीमा की रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है, वो मेरा कर्तव्य है। इसलिए अपना कर्तव्य करने के लिए युद्ध करता हूं, अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए मैं कभी युद्ध नहीं करता। तो यहां से एक दृष्टिकोण हमारे को मिल सकता है कि जो जैन राजा हुए उनमें, अधिकतर जैन राजाओं में ये बोध हमारे को देखने को मिल जाता है कि जो राज्य विस्तार की लिप्सा है संभवतः उनमें कम थी, और उसके साथ साथ जो दया का भाव, करुणा का भाव और जनता की एक प्रकार से देखभाल का जो भाव है, वो प्रमुख रूप से उनके व्यवहारों के अंदर झलकता रहा है। तो इसी प्रकार महावीर के काल में महाराजा श्रणिक, जिनको बिंबिसार नाम से जाना जाता है, श्रणिक राजा तो भगवान महावीर का बहुत भक्त राजा रहा है, और महावीर से परामर्श किए बिना, उनके प्रवचन आदि में गए बिना वो अपना कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता था, इस प्रकार का भी उल्लेख हमारे को जैन इतिहास के ग्रंथों में मिल जाता है। श्रणिक का ही पुत्र हुआ जिसको कुणिक बोला जाता है, और बौद्ध परंपरा में भी इस कुणिक का प्रभाव है, वहां पर इसको अजात शत्रु नाम से जाना गया है। श्रणिक राजा का भी बौद्ध और जैन दोनों परंपरा में समान प्रभाव हमारे को मिलता है। हालांकि जैन इतिहास के अंदर ये कथा भी दी गई है कि कैसे वो पहले बौद्ध धर्म के अंदर आकर्षित थे और कैसे वो जैन धर्म के अंदर आकर्षित हो गए, हकीकत में वहां पर कारण दिया गया है। श्रणिक की पत्नी महारानी चेलना, चेलना राजा चेतक की पुत्री थी, और चेतक की पुत्री होने के कारण जैन धर्म के संस्कारों में पली बसी थी, और उसी चेलना की बदौलत विवाह के बाद राजा श्रणिक वो जैन धर्म की ओर कन्वर्ट हो गए, उससे पहले वो बौद्ध धर्मावलंबित थे। इस प्रकार की जो धारणा है वो जैन इतिहास के अंदर हमारे को प्राप्त होती है। और उसके बाद जो राजा श्रणिक का पुत्र हुआ कुणिक, कुणिक को एक प्रकार से राजा श्रणिक का कलंक पुत्र के रूप में देखा गया है। बहुत अच्छा व्यवहार वाला, बहुत अच्छी सद्भावना वाला वो बंदा नहीं रहा, और उसकी वजह से श्रणिक राजा का जीवन जो है खत्म भी हो गया था, निमित्त तो वही बना था। संभवतः इसी प्रकार के कुछ कारण रहे होंगे जो पिता का विरोधी पुत्र जाना गया कौणिक को, जिसको अजात शत्रु कह करके पुकारा जाता, और इसी कौणिक ने चेतक के साथ युद्ध भी किया था, युद्ध करके चेतक को हराया भी था। तो उस जमाने में एक प्रकार से जो कुणिक राजा हुआ अत्यंत बलशाली राजा रहा होगा, इसलिए उसका नाम अजात शत्रु पड़ गया। संभावना ये नजर आती है कि पिता की हत्या होने के बाद संभवतः तो जो जैन परंपरा को मानने वाले अन्य राजा लोग रहे होंगे या परिवार के बाकी लोग रहे होंगे, उनकी एक प्रकार से कुदृष्टि का सामना कुणिक को करना पड़ा होगा, और उससे पीड़ित होकर के कुणिक ने न केवल अपनी राजधानी को बदला, संभवतः तो उसने बौद्ध धर्म की ओर अपना कदम बढ़ाया होगा। इस प्रकार की भी संभावना कुछ इतिहासकार मानते हैं। सच्चाई अभी उसके अंदर शोध की आवश्यकता है कि कुणिक का दोनों परंपराओं में किस प्रकार से ये जुड़ाव था, ये एक प्रश्न है। इसी प्रकार अनेक राजाओं का जो संबंध है भगवान महावीर के साथ रहा है, कितने ही राजा भगवान महावीर के पास दीक्षित हुए हैं। एक वाराणसी के राजा हुए हैं, उनका नाम मिलता अलक्ष्य। उन्होंने राज्य व्यवस्था संचालित करने के बाद जब भगवान के प्रवचन को सुना, और प्रवचन को सुनने के बाद उनको इतना अच्छा भगवान का वो प्रवचन लगा, अपने ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर सारा राज्य का दारोमदार सौंप करके सहज रूप से वो जाकर के सन्यासी हो गए, भगवान के शिष्य बन गए और अपना जीवन का कल्याण साध लिया। अलक्ष्य उनका नाम था, वाराणसी के वो राजा थे। इसी प्रकार अन्य अनेक राजा लोग हुए जिनका
संबंध कहीं ना कहीं भगवान महावीर के साथ रहा है, उनके वाणी से प्रभावित रहे हैं, और उनकी वाणी से प्रभावित होकर के कईयों ने अपना गृहस्थ जीवन अच्छा बनाया, अपने राज्य व्यवस्था अच्छी बनाई, और कईयों ने सन्यासी होकर के अपना इहलोक के साथ साथ परलोक भी सुधार लिया। तो ये बात हो गई तीर्थंकर महावीर काल के जो राजा लोग हुए उनकी। अब तीर्थंकर महावीर के बाद के राजाओं की अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर हालांकि तीर्थंकर महावीर से पहले के भी कई राजा ऐसे हैं जिनका उल्लेख करना मैं समझता हूं कि बहुत उनका उल्लेख किए बिना इस सत्र को मैं समझता हूं कि आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। महाराजा वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत काल के, श्री कृष्ण महाराजा का जो संबंध है या उनका जो जीवन है, इतना व्यापक उनका जीवन है, मुझे आश्चर्य होता है कई बार कि एक व्यक्ति इतना व्यापक जीवन जी कैसे सकता है। सनातन परंपरा में उनको पूर्ण अवतार कह करके पुकारा गया है, जैन परंपरा में उनको भावी तीर्थंकर कह करके पुकारा गया है, उत्तम पुरुष कह करके पुकारा गया है, और कृष्ण वासुदेव के समय में महाभारत काल में जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं वो है 22वें तीर्थंकर अरहंत अरिष्टनेमिनाथ। अरिष्टनेमिनाथ और श्री कृष्ण वासुदेव दोनों आपस में भाई थे, चचेरे भाई थे, और दोनों आपस में भाई होने के नाते अनेक बार इनका मिलना जुलना होता था। जैन अंग सूत्रों में से आठवां जो अंग सूत्र है, जिसको अंतकृत दशांग सूत्र कह करके पुकारा जाता है, उसमें श्री कृष्ण महाराज की राज्य व्यवस्था का, या कहें कि राजा श्री कृष्ण के राज्य के उनके पारिवारिक ढंग का जो परिचय दिया गया है वो बहुत अद्भुत और अनूठा है। जैन उसमें आगमों में बालक श्री कृष्ण का उल्लेख इतना नहीं मिलता जितना राजा के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, और राजा के रूप में उनके जो राज्य की व्यवस्था थी वो बड़ी सटीक व्यवस्था, सही ढंग से जिसका गठन किया गया है, इस प्रकार के राज्य व्यवस्था श्री कृष्ण वासुदेव या महाराजा श्री कृष्ण के द्वारा संचालित की गई। और उस समय अगर हम लोग देखें तो श्री कृष्ण महाराज स्वयं अपने आप में बड़े चतुर और बड़े बुद्धिजीवी रहे हैं। महाभारत के काल में श्री कृष्ण महाराज के साथ में एक और व्यक्ति जिसकी नीतियां बड़ी प्रसिद्ध रही हैं वो है विदुर। एक तरफ विदुर की नीति है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण महाराज की नीति है। दोनों का मिलना जुलना भी रहा, दोनों एक दूसरे का भरपूर आदर भी किया करते थे, और इन दोनों के कारण तीसरा व्यक्ति अगर हम इनको जोड़ देते हैं, अरहंत अरिष्ट नेमिनाथ, इन तीनों की तिकड़ी बना करके अगर इन तीनों के जीवन संदर्भों को, इनके जीवन चरित्रों को हम लोग अगर एक बार अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर हमारे को जैन और जो वैदिक परंपरा है उन दोनों का ऐसा संगम मिल जाएगा जो मैं समझता हूं कि उससे बढ़िया संगम कहीं और खोजना मुश्किल होगा। दोनों परंपराओं का संगम, क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव जैन परंपरा के साथ भी जुड़े हुए हैं, वैदिक परंपरा के तो है ही है, साथ में विदुर। तो जैन राजाओं की सुशासन व्यवस्था में मैं समझता हूं कि जो ऋषभदेव से चली आई शिक्षा थी उनका तो था ही प्रभाव, उसके साथ में श्री कृष्ण वासुदेव, विदुर की नीतियां, उन्होंने और चार चांद लगा लिया, और उनकी शिक्षाओं से हम लोग पूरा महाभारत का परिदृश्य देख सकते हैं कि छोटी छोटी बात पर भी किस प्रकार से गौर करके महाराजा श्री कृष्ण ने वहां पर अपना एक प्रकार से बुद्धिमत्ता का, चतुराई का परिचय दिया। केवल एक उदाहरण याद दिलाना चाहूंगा, बताने की तो आवश्यकता है नहीं। जैन परंपरा में उनको 16,000 राजाओं का राजा माना गया है, 16,000 राजाओं का राजा श्री कृष्ण महाराज को। पांडव उनके अधीनस्थ राजा माने गए हैं, और पांडव उनके अधीनस्थ राजा हैं, लेकिन प्रेम इतना है कि वो पांडव के साथ हुए अन्याय को महसूस करके महाभारत का युद्ध रोकने के लिए वो पांडवों का दूत बन करके कौरवों की सभा में गए। अब
अब इसी बात से समझ जाइए कि वो राजा कैसे रहे होंगे। इतना बड़ा ओहदा होने के बाद भी आदमी के अंदर इतनी विनम्रता रहे और ऐसी समझदारी रहे, तो बिना धर्म की शिक्षा के और बिना अध्यात्म की शिक्षा के मैं समझता हूं कि इस प्रकार की क्वालिटी हमारे जीवन में संभवतः डेवलप नहीं हो पाती। तो श्री कृष्ण महाराज का ये जीवन, उसके साथ एक और राजा जो बीच में हुए हैं, जिसको सनातन परंपरा महाराजा शिवी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने बाज के लिए, जो बाज कबूतर का भक्षण करना चाहता था, उस कबूतर को बचाने के लिए अपने घुटने का मांस काट करके दे दिया था। उसी शिवी राजा को जैन परंपरा में महाराजा मेघरथ के नाम से जाना गया है। और ये जो महाराजा मेघरथ हुए हैं, ये 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का पूर्व भाव मान करके यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो एक बाज के, मतलब कबूतर को बचाने के लिए जो अपने शरीर का मांस तक काट करके दे सकता है, उस व्यक्ति की दया करुणा कैसी होगी? और ऐसा व्यक्ति जब राज्य का संचालन करता है, तो किस प्रकार के बातें उसके जीवन में हो सकती हैं, हम लोग खाली अनुमान कर सकते हैं। फिर समय ज्यादा हो रहा है, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करूं। महावीर के बाद जो राजा हुए हैं, उनमें से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिन राजाओं का विशेष नाम आता है, गुजरात के चालुक्य वंश के जो राजा रहे हैं, महाराजा जय सिंह, जिनको सिद्ध राज की उपमा दी गई थी, उनके बाद महाराजा कुमारपाल, और उसके साथ साथ नंदवंशी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा में ही महाराजा सम्राट संप्रति, जो कि सम्राट अशोक के पौत्र रहे हैं, कुणाल के पुत्र रहे हैं। ये राजाओं की एक श्रृंखला है जो उल्लेखनीय राजा रहे हैं। महाराजा जय सिंह ये गुजरात के राजा रहे, और जैन आचार्य हेमचंद्र का इनके ऊपर बुरा बड़ा प्रभाव था। विद्वानों का मान सम्मान करना, कवियों का मान सम्मान करना, और कला के प्रति विशेष रूप से आकर्षण इनके जीवन में रहा होगा, ऐसा हमारे को नजर आता है। महाराजा जय सिंह, इसलिए इन्होंने आचार्य हेमचंद्र के साथ साथ अनेक विद्वानों को अपने राज्य के अंदर बुलवा करके अनेक व्याकरण ग्रंथ लिखवाए। उल्लेख ऐसा भी मिलता है कि उन्होंने अपना कश्मीर से पंडितों का एक बहुत बड़ा समूह बुलवा करके गुजरात में वहां पर बड़ा सम्मेलन करवाया, और वहां पर विशाल पैमाने पर उन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना करवाई। तो राजा होने के बावजूद वो बाकी चीजें तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी समझ रहे हैं कि अध्यात्म का विकास जरूरी है, और अध्यात्म का विकास करने के लिए जो ज्ञान है, शिक्षा, कला और साहित्य, इन तीनों को हम छोड़ नहीं सकते। तो शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए अक्सर उन्होंने अनेक प्रयास कर डाले, महाराजा जय सिंह। जय सिंह के बाद उन्हीं के गद्दी पर बैठने वाले राजा हुए महाराजा कुमारपाल, और कुमारपाल राजा के ऊपर तो एक प्रकार से मैं कहूं कि आचार्य हेमचंद्र का कहिए या तीर्थंकर परंपरा की शिक्षा का ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने जीवन में कभी मद्य और मांस का सेवन नहीं किया। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी नगरी के अंदर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने एक श्लोक पढ़ के सुनाया था कि मेरी नगरी के अंदर कोई चोरी नहीं करता, कोई दुर्व्यवहार नहीं करता, कोई इस प्रकार की बुराई नहीं करता, ऐसा दावा करने वाला कौन राजा हो सकता है? तो मुझे सीधा कुमारपाल राजा का नाम याद आया कि कुमारपाल ही ऐसा राजा था जिसने अपने नगरी के अंदर पूरी तरह से अहिंसा धर्म का पालन करना, एक प्रकार से नियम नहीं बनाया था, लोगों के मन में इस प्रकार का प्रभाव डाला था धर्म का, कि वो राज्य उनके अहिंसक राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी के साथ नंदवंशी राजा ये भी जैन धर्म के उसमें रहे हैं, और महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है, वो जैन राजा थे या नहीं थे, इसके अंदर भी कुछ ऊहापोह किया जा सकता है, लेकिन अनेक जैन इतिहासकार ये ठोस प्रमाणों के साथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वो आचार्य भद्रबाहु के समय
समय में हुए हैं और भद्रबाहु आचार्य का उनकी शिक्षाओं का इतना प्रभाव उनके ऊपर था कि जब इधर उत्तर भारत में दुष्काल पड़ा उस समय आचार्य भद्रबाहु दक्षिण के अंदर चले गए थे और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दक्षिण में जाकर के आचार्य भद्रबाहु के सानिध्य में संन्यास ग्रहण कर लिया था। वो संन्यासी बने थे और उन्हीं के नाम से दक्षिण में चंद्रगिरी आदि तीर्थों का नामकरण हुआ है, इस प्रकार की मान्यता भी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यदि हम जैन राजा माने, किसी अंश तक भी मान ले, तो चंद्रगुप्त के ऊपर जो चाणक्य की नीतियों का, चाणक्य की शिक्षाओं का प्रभाव था, वो हमारे लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो शिक्षाएं भी कहीं ना कहीं जैन परंपरा के साथ जुड़ जाती हैं और उसी उन्हीं सब शिक्षाओं को लेकर के इन्होंने जो राज्य व्यवस्था संपन्न की, उस राज्य व्यवस्था में अगर हम लोग एक मॉडल उसको बनाने की चेष्टा करें, तो मैं समझता हूँ ये जो राजा हुए, इन्होंने अपने जीवन को, अपने जीवन की खुशियों को महत्व न दे करके जनता की खुशियों को महत्व देना, इसको प्राथमिकता रखा। न्याय की व्यवस्था, उसको प्राथमिकता दिया कि कहीं पर भी हम रहे न्याय होना चाहिए, और जब युद्ध की नौबत आए तो युद्ध जो हो वो जहां तक संभव हो अहिंसक युद्ध हो, जो निरपराध सैनिक हैं उनका संहार न हो, या हो तो कम से कम हो, इस प्रकार की व्यवस्था उनके जीवन में रही होगी, ऐसा व्यवहार उनका रहा है, ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। चौथी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इन राजाओं के जीवन में क्षमा का भाव इतना प्रबल था। महाराजा उदयन हुए, जो विशुद्ध रूप से जैन संस्कारों में पले बड़े राजा थे, उदयन के साथ में महाराजा चंड प्रद्योतन जो अवंती के राजा हुए, अवंती के राजा चंड प्रद्योतन के साथ भयंकर युद्ध हुआ और अवंती राज चंड प्रद्योतन को उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जब रास्ते में थे तो रास्ते में ही पर्युषण पर्व आया, पर्युषण पर्व उन्होंने मनाया और मनाने के बाद पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमा याचना का पर्व मनाया जाता है। तो महाराजा उदयन क्षमा याचना करने के लिए चंड प्रद्योतन के पास गए, तो बंदी बना हुआ चंड प्रद्योतन बोलता है कि मुझे इस सलाखों के पीछे या बंदी खाने में रख करके क्षमा याचना करने का कोई अर्थ नहीं हुआ। अगर तुम सचमुच में ही क्षमा को महत्व तो देते हो तो मुझे आजाद करके क्षमा मांगो। तो महाराजा उदयन को ये बात इतनी लगी कि उन्होंने उसी समय चंड प्रद्योतन को आजाद करके कि जाओ तो मैं हमने माफ किया। इस प्रकार से क्षमा की भावना भी इतनी प्रबल इन राजाओं के अंदर रही थी, ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। अब बात करें सम्राट अशोक और उनके बाद सम्राट संप्रति। सम्राट अशोक का जुड़ाव बौद्ध परंपरा के साथ जिस ढंग से रहा है, उसी ढंग से राजा संप्रति का जुड़ाव जैन परंपरा के साथ रहा है। ये बात अलग है कि अशोक सम्राट ने जैसे शिलालेख लिखवाए, वैसे शिलालेख संप्रति ने नहीं लिखवाए। उसके साथ साथ उड़ीसा जो कलिंग प्रांत है, वहां के राजा हुए महाराजा खारवेल, उन्होंने भी हाथी गुम्फा आदि जो शिलालेख लिखवाए हैं और उनमें स्पष्ट उन्होंने अपने राज्य की जो सूचनाएं हैं और जनता के लिए जो अच्छी बातें हैं उनको लिखवाते समय उसको शुरुआत ही करी है नमो अरिहंतानम नमो सव सिद्धानम। ये नमकार मंत्र का लिखित तो सबसे प्राचीनतम उल्लेख जिसको हम कहें वो महाराजा खारवेल के शिलालेखों में मिल जाता है। और इधर भी महाराजा अशोक के शिलालेखों पर अगर हम दृष्टि डालें तो वहां पर जो एक बात मिलती है, जो प्रिय जो राजा अशोक सम्राट के लिए जो संबोधन किया गया है, देवानाम प्रिय प्रियदसी राजा, ये जो देवानाम प्रिय प्रियदसी राजा है, देवानाम प्रिय शब्द का दूसरा रूप देवाणु प्रिय, ये हमारे जैन आगमों में कदम कदम पर मिल जाती है। तो इस बात को लेकर के भी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये भले ही सम्राट अशोक का संबंध हम लोग बौद्ध परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन ये जो शब्द है देवानाम प्रिय, इस शब्द का जो संबंध है वो जैन आगम और जैन परंपरा के साथ ज्यादा निकट मालूम पड़ता है। खैर सच्चाई तो अभी मैं नहीं बोल सकता क्या है। तो इस प्रकार की ये राजाओं की परंपरा रही है और उनकी सुशासन व्यवस्था,
वो तो मैं समझता हूँ कि जितना हमारे डॉक्टर साहब और जो दूसरे विद्वान है वो जिस ढंग से उन सुशासन व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगे, संभवतः मैं उतना बढ़िया नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा। मैं तो केवल ये जैन राजाओं के जीवन की कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, उनमें से जो जो बातें मैं समझ सका। हालांकि और बहुत लंबी श्रृंखला राजाओं की रही है, बहुत सारे राजाओं का संभवतः मैं उल्लेख भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके शासन की व्यवस्था है, वो बड़ी महत्वपूर्ण और अपने से ज्यादा दूसरे को महत्व देने की जो दृष्टि उन राजाओं में रही है, उसी दृष्टि ने उनको एक प्रकार से कालजयी व्यक्तित्व उनका बना दिया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो डॉक्टर आशुतोष जी सर, उनका ये बड़ा आत्मीयतापूर्ण आग्रह रहता है, जिस वजह से ऐसे मौके पर मैं आ पाता हूँ और आप सबसे परिचित होकर के कुछ अपनी बात रख पाता हूँ। तो डॉक्टर आशुतोष जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और साथ में जिन भी विद्वानों ने इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। समय मैं देख रहा हूँ कि मैंने ज्यादा ही समय ले लिया है, उसके लिए मुझे माफ करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, बड़ा पावन पर्व है, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनके जैसा भारत रत्न भारत पुत्र इस देश में हुआ, इस देश का गौरव है। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, ओम शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, जो आपने दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत गहरे से रिसर्च करने की अपेक्षा है, क्योंकि एक बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपने दिया है और मुझे इस बात से आह्लाद अनुभव हो रहा है, उत्साह अनुभव हो रहा है कि हम एक क्या कोई ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं कि कभी कोई राज्य अहिंसा पर आधारित हो। सोशल साइंसेस में जिस तरह का हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से प्रशिक्षण किया जाता है, हिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो ऐसे जैन राजाओं के और जैन सिद्धांतों पर आधारित राज्य की परिकल्पना करना मुझे अपने आप में बहुत आह्लाद दे रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम विशिष्ट कार्य कर सकें कि किस तरह से उन जैन राजाओं ने अपने प्रजाओं की व्यवस्था की होगी, जहां हिंसा का मिनिमम से मिनिमम जो है वो प्रयोग करना पड़ा, हिंसा का सर्वाधिक प्रयोग करते हुए हिंसा को उन्होंने छोड़ा होगा। तो ऐसे एक समाज की परिकल्पना करना मुझे लगता है कि ये कहाँ बेस्ट के लिए संभव है। यूएनओ जैसी संस्थाएं हमने बना ली, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजें बना ली, लेकिन वो हिंसा से तो मुक्त कभी भी नहीं हुए। तो आपने जो आज ये दिशा निर्देश दिए हैं, अस्वस्थ होने के बावजूद आपने मेरे निवेदन को, मेरे आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से इसको और सघन रूप से मैं देखूंगा। और भी जो साथी इसमें रुचि रखेंगे कि सुशासन के इन पक्षों को हम देखें कि जैन संस्कृति में किस तरह से इस सुशासन का प्रारूप हम ज्यादा ठोस बना सकते हैं, ताकि कल को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को एक विकल्प प्रस्तुत कर सकें, उनको एक विकल्प दें कि केवल वेस्ट में ही नहीं सोचा जाता, यहाँ भारत में भी सोचते हैं, भारत में भी व्यवस्थाएं रही हैं, तो उस पे हम अवश्य चर्चा करेंगे और कुछ ना कुछ निकट भविष्य में कोई पेपर कम से कम तो इसके ऊपर जरूर निकालेंगे। तो समय निश्चित ही थोड़ा सा अपने मर्यादा से आगे चल रहा है, लेकिन हमारे जो दूसरे विद्वान हैं, डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी, उनको आमंत्रित करने से पूर्व हमारे साथ डायरेक्टर जुड़े हैं एसटीपीआरटीसी सेंटर के, विच जनरल अमिल कुमार शोरे जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, वो जुड़े हैं। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और निश्चित रूप से उनके
कमेंट्स इन दोनों वक्ताओं के ऊपर जरूर सुनना चाहेंगे बाद में संक्षेप में। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बुद्धिज्म के ऊपर वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर अविनाश जी को, और उनका परिचय मैं आपसे करा ही चुका हूँ, क्योंकि जब मैं बुद्धिज्म के सारे वो देख रहा था गुड गवर्नेंस के पक्षों को, तो आप ये देख सकते हैं कि रॉयल वर्च्यूज ये हमें मिलते हैं कि अविरोध, दान, शील और ये सारी चीजें हैं, तो मैं गिनाना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब अपने वक्तव्य में वो लेंगे। और बुद्धिस्ट राजाओं की हमें एक पूरा इतिहास मिलता है, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी बुद्धिस्ट राजाओं का एक बहुत लंबा इतिहास देखने को मिलता है, गवर्नेंस उनकी मिलती है। और सबसे पहले गवर्नेंस से पहले भी मुझे ये लगता है कि जो बुद्धिज्म के तीन सूत्र हैं, ये धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो संघ बिना गवर्नेंस के तो नहीं हो सकता। निश्चित रूप से संघ चलाने के लिए आपको गवर्नेंस, जैसे बिहार जैनिज्म में चलाने के लिए आचार्य जी उस बात का भी हम छोड़ गए, बिहारों को चलाने की व्यवस्था देने के लिए भी गवर्नेंस रही होगी, तो संघों में भी इस तरह की व्यवस्था रही है। तो निश्चित रूप से पूरा सिस्टम है जिसे मॉडर्न सोशल साइंटिस्ट ने जो है बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया, उसको तिरस्कृत कर दिया है। निश्चित रूप से हम लोगों को ये समझना चाहिए और उनको चुनौती भी देनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इन बातों को जो भारतीय संदर्भों में उभर कर आती हैं, व्यवस्थाएं रही हैं, उनको हम पुनर्स्थापित कर सकें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी को कि वो हमारे साथ इस विषय पे हमारा दिशा निर्देश करें। डॉक्टर अविनाश जी, सर आपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। समस्त सुधी जनों को मेरा समवेत नमस्कार, और मैं बड़े मनोयोग से स्वामी जी का माने का आख्यान मैं सुन रहा था, और मुझे लगा कि बहुत सारी बातें सुशासन के विषय में उन्होंने कह दी है, तो उनके कहने के क्रम में एक बात और स्पष्ट हुई, माने स्पष्ट क्या, ये तो सर्वविदित है कि भारतवर्ष में उस समय दो प्रकार की व्यवस्था थी, श्रमण संस्कृति थी और ब्राह्मण संस्कृति थी, और उन्होंने बड़े ही अच्छे रूप में ये बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति आपस में मिलती जुलती रही है, और उनका एक लंबा कालखंड रहा है जिसमें कि ये आपस में मिले और सब मिलकर के एक ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिसमें हम सुशासन की बात देखने को मिलती है। जहां तक बौद्ध परिप्रेक्ष्य की बात है, तो मैंने देखने का प्रयास किया उसको पाली त्रिपिटकों में, और मैंने देखा कि बुद्ध काल में भी अनेक राजा हुए, और उन राजाओं ने बौद्ध नीति और बौद्ध धर्म के अनुकूल राज्य चलाने की जो परिकल्पना की है और राज्य चलाया है, वो अनेक प्रकार के जो उनके सिद्धांत थे उसी पर आधारित थे, और ये मूल सिद्धांत अभी उन्होंने कहा है धम्म संघ और बुद्ध, तो वह उनके भी त्रिरत्न हैं शील, समाधि और प्रज्ञा। शील के आधार पर बौद्ध दर्शन में सुशासन की परिकल्पना देखने को मिलती, और ये अनेक सूत्रों में इसकी परिकल्पना स्पष्ट होकर हमारे सामने आई, क्योंकि बौद्ध सुशासन की परिकल्पना वस्तुतः सब्बे संथा सुखनो भवति की परिकल्पना पर आधारित, और सभ्य संस्था सुखनो भवति तभी संभव है कि हर व्यक्ति को, हर प्राणियों के एक कंपोजर मिले, सुख मिले, और उन्हें किसी भी प्रकार के शासन की ओर से या आंतरिक रूप से असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े।
इसलिए बौद्ध शासन में को में सुशासन शब्द के लिए धम्म शासन की भी का भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। धम्म शासन का तात्पर्य है धर्म के आधार पर शासन, वह शासन जहां पर हम कोई भी अगर कार्य करते हैं वह धर्म पर आधारित हो और उस शासन में किसी भी प्रकार को की असुविधाजनक स्थिति ना आ। दूसरा है सभी प्राणी एवं प्राकृतिक उपादान चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसीलिए राजा अगर किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसका प्रभाव समस्त प्रजा पर पड़ता है, वो केवल मनुष्यों पर नहीं अपितु मानवेतर प्राणियों पर भी पड़ता है और इस कारण ही सुशासन का अग्रसारण हमें सबों के लिए करना चाहिए, केवल मानव समुदाय के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए। और बड़ी अच्छी बात धम्मपद में देखने को मिलती है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो हम यह देख लें कि यह कार्य मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। यह कार्य अगर मेरे लिए उपयुक्त है तभी वो दूसरों पर भी लागू किया जा सकता है। धम्मपद कहती है सब्बे तसंत दंडस्स सब्बे भायन्तु मच्चुनो अत्तानं उपमंकत्वा न हनेय न घाते। सभी दंड से भय खाते हैं, सभी मरने से डरते हैं। अगर हम अपने ऊपर ऐसा सोच लें, अपने ऊपर ऐसा देख लें और तब हम दूसरों के ऊपर उसे प्रयुक्त करें तो न तो कोई किसी की हिंसा करेगा और न ही कोई किसी को दंड देगा। तो ये सारी परिकल्पनाएं मैं पाता हूं कि ये समग्र रूप से बौद्ध दर्शन में पाए जाते हैं। इसके पूर्व कि मैं उन सारी बातों को की चर्चा करूं, मैं कुछ बौद्ध धर्म के सूत्रों को देखना चाहूंगा, पाली त्रिपिटक के सूत्रों को, और वे मूल रूप से वो किस प्रकार हमारी गुड गवर्नेंस की बातों को स्पष्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र है चक्रवर्ती सूत्र या चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि चारों दिशाओं पर विजय पाने वाला और जनपद में स्थिरता रखने के लिए चक्रवर्ती धर्मराज को 7 मणियों से 7 रत्नों से युक्त होना चाहिए। पहला है चक्ररत्न, दूसरा है हस्तिरत्न, तीसरा है अश्वरत्न, चौथा है मणिरत्न, पांचवा है स्त्री रत्न, छठा है गृहपति रंजन रत्न और चौथा है परिनायक रत्न। और इसमें जो चक्र रत्न है वह इस तथ्य का संकेतक है कि जिस राजा के पास यह चक्र रत्न पाया जाता है वह च्युत नहीं होता है या विलोपित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वह राजा एक अच्छे ढंग से सुशासन का प्रयोग कर रहा है और उसके राज्य में रंजन है, असुविधाजनक स्थिति नहीं आई। और कहानी इस प्रकार आरंभ होती है कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे और जब भी देखते थे तो उन्होंने कह रखा था अपने दरबारियों को कि तुम चक्र रत्न देखा करो, अगर वह स्खलित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि मैं इसका माने सरकार चलाने में, राज्य चलाने में, राज्य को के लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने में मैं असमर्थ हूं, तो स्खलित नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी वो अपने स्थान से हटते थे चक्ररत्न तो अपने ओर से सुशासन को वो तेज करते थे, समाज के हर लोगों से मिलते थे, उनकी सुख सुविधा देखते थे और जो उनकी असुविधाजनक स्थितियां होती थी उसे दूर करने का प्रयास करते थे। और ऐसा करने से उनके देश में अचानक फिर जो है शांति बहाल हो गई और शांति बहाल होते ही ये चक्र रत्न अपने स्थान पर स्थिर हो जाता। वृद्ध होने के उपरांत जैसा कि हमारे
स्वामी जी ने, पद्मराज स्वामी जी ने कहा कि एक लंबी परंपरा है, ये पहले राजा होते थे और राजा अपना शासन करने के उपरांत वो अपना दायित्व अपने पुत्र को दे देते थे और तदुपरांत वो जंगल में चले जाते थे और वहां जाकर के ये गृहस्थ आश्रम छोड़कर वे संन्यास ग्रहण कर लेते। ठीक उसी प्रकार वह राजा अपना साम्राज्य छोड़कर अपने पुत्र को दे देता है, राजा बना देता है और चला जाता है जंगलों में। वहां जाने के उपरांत एक दिन उसे सूचना मिलती है उस राजा को कि चक्र रत्न विलोपित हो गया है और तब उसे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से हमारे देश में हमारे द्वारा गड़बड़ी होने के कारण असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। और तब वह अपने पिता से जाकर पूछता है, पिता से सारे समस्याओं का हल लेकर के जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके देश में लूट मार ज्यादा हो रही है, तो सबों को यहाँ यथासंभव सहायता करने का प्रयास करता है, लेकिन वो निर्धनों को या जरूरतमंदों को वह अन्न नहीं देता। परिणाम ये होता है कि उसके यहाँ लूटमार और अनाचार बढ़ जाता है और तब उस अनाचार को रोकने के लिए वह दंड व्यवस्था करता है और स्थिति और विपन्न होते चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में तब उसको स्मरण आता है क्योंकि धन न देने के कारण उनके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, व्यवसाय करने का साधन नहीं है, और तब वह दान की परिकल्पना आती है और वह दान करता है जिसे आवश्यकता है, और दान के आधार पर जब लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो धीरे धीरे समाज में सुख और शांति चली आती है। ये कथा है अरिय चक्रवर्ती सूक्त का, इसे चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र भी कहते हैं। दूसरा सूत्र है अज्ञेय सूत्र। अज्ञेय सूत्र बड़ा ही विलक्षण सूत्र है जो न मात्र सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, समाज के सुशासन की बात करता है, अपितु वह यह बतलाने का प्रयास करता है कि यह सुशासन की परिकल्पना प्रकृति में प्रारंभ से ही निहित, और प्रकृति समाज को नियंत्रित करने के लिए, प्रजा को नियंत्रित करने के लिए उसके ऊपर अंकुश लगाती है। और बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभ में चावल में भूसियां नहीं हुआ करती थी और तब लोग प्रभात काल में जाते थे, चावल ले आते थे और सीधे खाना खा लेते। धीरे धीरे लोगों में तृष्णा फैली और वो धन संग्रह करने लगे, वो चावलों का संग्रह करने लगे, तो प्रकृति ने उसे नियंत्रित करने के लिए चावल में भूसियां डाली, क्योंकि होर्डिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया धीरे धीरे वो चावलों का भंडार समाप्त होने के करीब आने लगा तो भूसियां ला दी। और इस प्रकार प्रकृति का जो परिवर्तन होता चला गया, जिसके कारण प्रकृति जो है नियंत्रित करती है अपने प्राकृतिक नियमों के द्वारा, और इसकी चर्चा हमें अज्ञेय सूत्र में देखने को मिलता है। उसी प्रकार वो दूसरी बात कहते हैं कि राजा को बोधिसत्व की भावना होनी चाहिए। बोधिसत्व और अरहत दो परिकल्पनाएं हैं श्रवण परंपरा में। बोधिसत्व वह है, वह तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता है जब तक उसके पास रहने वाले विश्व के समस्त प्राणियों को वह निर्वाण की प्राप्ति कराने में समर्थ न हो, और यह तभी संभव है कि उसके अंदर महाकरुणा का संचार हो और अब वह एक एक प्राणियों को अपने सुख के अनुसार, माने अपने अनुसार, जब तक सबों को बोधित्व की प्राप्ति नहीं करा देता वह चैन से नहीं बैठता है और वह अहर्निश संपूर्ण जगत के कार्य के लिए लगा करता है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई राजा इस बोधिसत्व की भावना से राज्य करता है तो वह बोधिसत्व की भावना बलवती होती है और उसके राज्य में सुख समृद्धि और शांति की पाई जाती है।
तीसरा है महापरिनिर्वाण सूत्र। अभी मैं स्वामी जी की बातें सुन रहा था और उस समय वैशाली यानी लिच्छवियों के गणराज्य की वो चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि इस चर्चा के क्रम में, क्योंकि दोनों बौद्ध और वैशाली का जो गणराज्य है वो बुद्ध काल में हुआ करता है, ऐसी अवस्था में बुद्ध ने से किसी ने पूछा वैशाली के विषय में, तो उन्होंने स्पष्ट कर दी कहा कि वज्जी प्रदेश के जो नागरिक हैं वो एक साथ मिलते हैं, सारा निर्णय करते हैं और निर्णय करने के उपरांत वो अपने राज्य को चलाते हैं और सर्वप्रथम गणराज्य की परिकल्पना वो वज्जियों से ही दृष्टिगत होता है, उन लिच्छवी प्रदेश में ही दृष्टिगत होता है, क्योंकि वे एकत्रित होकर सभाओं में बैठते हैं, सभाओं से उठते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और तब तक यह कार्य करते रहते हैं जब तक उनके देश के किसी भी प्रकार के में किसी भी प्रकार की असुविधाजनक स्थिति ना आवे। और बुद्ध कहते हैं कि जब तक इस प्रकार के वे कर्म को करते रहेंगे तब तक उस राज्य में हानि की संभावना नहीं होगी। और इस क्रम में मुझे स्मरण आ जाता है जर्नल साहब जो मित्र भेद पर हितोपदेश पर उन्होंने आख्यान दिया था, प्रकारांतर से उन्होंने इसकी चर्चा की थी, क्योंकि वो जो दो प्रकार की पक्षियों की जो लड़ाई थी तो वो पूरी की पूरी कथा ये महापरिनिर्वाण सूत्र की कथा है और उसी में यह बताया जाता है कि किस प्रकार ये लोग आपस में विमर्श करके आनंद पूछते हैं कि बज्जी प्रदेश प्रवासी जब तक एक होकर अपने कर्तव्य विहित कर्म को करते रहेंगे तब तक वहां सुख और शांति की वृद्धि होते रहेगी। वे वैध कार्य को करते हैं और अवैध कार्य को नहीं करते, तो अपने आप ही बनना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र एक प्रकार से सुशासन की परिकल्पना वह करता है और वो कहते हैं कि ये वज्जी लोग सार्वजनिक और आंतरिक मंदिरों का भी सत्कार करते हैं, पूजा भी करते हैं, पूर्वजों द्वारा देव मंदिरों के लिए निकाली गई दान वृत्ति और सारे कार्य को वो करते रहते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं और जब तक इस प्रकार धर्म संगत ये कार्य करते रहेंगे तो तब तक ये अर्हत धर्म की रक्षा करने में समर्थ रहेंगे और शांति पूर्वक अपने प्रदेश का विकास करेंगे और वहां सुशासन आता जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कुछ अपरिहार्नीय धर्म की ही चर्चा की। वे कहते हैं कि हमारे पास कुछ आवश्यक धर्म है, अगर हम उसका पालन करेंगे तो समाज में और राज्य में किसी भी प्रकार की बात माने असुविधाजनक स्थिति नहीं होगी, कोलाहल नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। और जैसा कि अभी हमारे आशुतोष जी ने कहा कि उन्होंने संघ के लिए कुछ बातें कही है, तो कहते हैं कि संघ में जब भिक्षु पुराने स्थिरों का जो धर्मानुरागी हैं उनका सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, तब तक उनका संघ स्थिर होगा और उन्हें शारीरिक एवं सांसारिक तृष्णा में युक्त नहीं होना पड़ेगा। अरण्य वास में उत्सुक होना आवश्यक है और उन्होंने सात अपरिहार्णीय धर्म की चर्चा की है और उन सात अपरिहार्णीय धर्म को अगर जब तक माना जाएगा तब तक समाज और संघ दोनों में शांति बनी रहे। पहला है अपरिहार्णीय धर्म कि प्रतिदिन मनुष्य को अपने कार्य में लगा रहना है और सुख के कारण हमें आलस्य नहीं करना। दूसरा अपरिहार्य धर्म है कि हम दिन रात ऊँघते हुए समय न बिताएं। और तीसरा है
कि जब तक भिक्षु रात या भीड़ को डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने को, आप म्यूट हो गए। डॉक्टर अविनाश जी प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ प्लीज सर। ये कैसे हो गया? एनीवे, तो उन्होंने सात अपरिहार्य धर्म की उन्होंने चर्चा की है। जब तक ये भिक्षु संघ समस्त धर्मों का अनुपालन करेंगे, संघ में कोई समस्या नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि आप मैत्रीपूर्ण कार्य करेंगे, आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यह मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, ये सारी की सारी चीजें एक सुशासन के तंत्र हैं। इसके अलावा पिछली बार भी मैंने कहा था कि सिगालोवाद सूत्र एक सुशासन की अच्छी अभिव्यक्ति देता है। और सिगालोवाद सूत्र कहता है कि हमें जो सांसारिक और प्रकृति से जो चीजें मिली है, जो राज्य से जो चीजें मिली है, उसका उपभोग हमें इस प्रकार करना है जिससे दूसरों को हानि ना हो। पिछले आख्यान में भी मैंने बताया था कि हमें जो प्रकृति के उपादान, जो अभी अंधा धुंध हम उसका शोषण कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि भोगे संग हर मानस भमरस रियतो भोगा सनिच्चयंति भौमिको विपचयंति। हमें उस मधुमक्खी की तरह उस प्रकार के भोगों का संग्रह करना चाहिए कि हमारे फूल विकृत भी ना हो और उससे हम सारी चीजों को प्राप्त कर लें। जिस प्रकार मधु निकाल लेती है भंवरा उन फूलों से बिना उसको विकृत किए हुए, ठीक उसी प्रकार प्रकृति का शोषण हमें इस प्रकार करना है। और दूसरी बार वो कहते हैं कि अभी जैसे हमारे यहाँ कोरोना काल में जो अव्यवस्था की स्थिति को रोकने में थोड़ी बहुत असुविधाजनक स्थिति हुई, तो मैंने पिछली बार भी मैंने बताया था कि यह भी एक सुशासन का स्थिति है कि हमें अपने जो आय का चार भागों में वितरण कर देना चाहिए। और वह चार भाग में से एक भाग हमें बचा कर रखना है जिससे कि हम भविष्य में जब हमारे पास संकट आवे तो उस काल में हम इस पैसे का, इस धन का हम उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार वे बोलते हैं कि हमें हमें अपने एक भाग का उपयोग अपने दैनिक कार्य में करें, दो भाग को घर के कार्यों में लगावें, चौथे भाग को संकट कार्य में के लिए उपयोग में रखें। और अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं और देश का शासक इस प्रकार का कार्य करता है तो संकट काल में भी हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कूट दंत सूत्र है वह भी हमारे सुशासन का एक विलक्षण व्यवस्था करता है, क्योंकि वहां पर जितनी सारी चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार हमारा शासन विधि का शासन होना चाहिए, समानता एवं समावेशन की शासन का शासन होना चाहिए, भागीदारी बहुत्व या एकत्म का शासन होना चाहिए और सबों को अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार हम पाते हैं कि जितनी सारी चीजें हैं वह हमें राजहित में करना चाहिए, प्रजा के लिए करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध शासन का तात्पर्य समस्त पक्षों को ध्यानांकित कर मानव समुदाय एवं व्यक्ति को के समवेत हित को केंद्रित किए बिना राज्यादेश को लागू करने की परिकल्पना नहीं होनी चाहिए। बौद्ध सुशासन शासक की उस समग्र दृष्टि का संकेतक है जिसमें सभी प्राणी एवं प्रकृति उपादान
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके कार्य व्यापार समवेत रूप से परिचालित हैं, शील समाधि और प्रज्ञा के ऊपर आधारित हैं। संपूर्ण मानव और मानवेतर प्राणी को निर्वाण की प्राप्ति हेतु अग्रसारित होता है, इसमें भी किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होती। और तब बौद्ध दर्शन में, बौद्ध शिक्षाओं में राजा के कुछ गुण बताए गए हैं कि राजा निर्धनों को दान देकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें तथा निष्ठावान लोगों को अलग से उपहार दें। दूसरा उन्होंने बताया कि हमें मृदु वचन का पालन कर प्रजा एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उनका कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। तीसरा है कि अर्थचर्या का पालन करना चाहिए, जिसके सेवा भाव से हमें संपूर्ण जीवन सादा जीवन बितावें और अपरिग्रह का पालन करें। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो हमें जो राजा है उसे कभी जो है असुविधाजनक स्थिति में नहीं आना पड़ता है, और दूसरा प्रजा भी देखती है कि हमारा राजा किस प्रकार कार्य कर रहा है। और चूंकि जब प्रजा अपने राजा को देख रही है तो वह उसे एक आइडियल पर्सन के रूप में देखे, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखे कि जिसका कि अनुकरण किया जा सके, और तब उसके ओर से, उसके व्यवहार की ओर से जो बातें प्रसारित होती है जनता में, वह एक सुशासन की परिकल्पना को पुष्ट करता है। तीसरा, चौथा है कि राजा को अपनी प्रजा से श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए और न मानना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बौद्ध दर्शन की यह स्पष्ट मान्यता है कि यह हमारा हेरिडिट्री नहीं है कि हम राजा बने। और वैशाली में तो राजा का चयन भी होता था, इसीलिए मेरे पिता राजा थे तो मुझे भी राजा हो जाना चाहिए, इस प्रकार की बात वे नहीं कहते। और इसीलिए जब हम अपने आप को प्रजा से श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो उनके साथ समानता का व्यवहार होगा और समदर्शी होगा और समान सभी प्रजाओं को समान रूप से उनके साथ व्यवहार होगा। पांचवा है, प्रजा के साथ देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका जो है पहली बार परिचर्चा हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलती है। और दान की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं कि बौद्ध दर्शन दान को इसलिए श्रेष्ठ मानता है क्योंकि वह दान देकर हम समाज के उस वंचित लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। अगर वह लाभ ना पहुंचावे तो वे लोग समाज में अव्यवस्था पैदा करने में समर्थ हो सकते। इस क्रम में यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित लगता है कि बुद्ध का जन्म राजनैतिक रूप से विकसित परिवार में हुआ था, राज परिवार में था। उनके रक्त में शासन की समृद्धि, विकास एवं कार्य पद्धति का ठोस ज्ञान था और ब्राह्मण परंपरा में भी सुशासन की परिकल्पना की गई है, इसका उन्हें विशेष रूप से परिचय भी था। तथा इस कारण ही मैं समझता हूं कि बौद्ध दर्शन में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है और वो सुशासन की जो परिकल्पना विकसित रूप में, जो धम्म शासन के रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर सद्गुण का शासन होता है, नियम का शासन है, सदाचार का शासन है, पवित्रता का शासन है, न्याय संगतता का शासन है, और यही सारे चीजों के साथ जुड़ने के कारण यह एक अच्छे शासन के रूप में देखा जा सकता है। एंड दिस इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और क्योंकि अल्पावधि में ये सारी बातें हमें आमंत्रण मिला था, लेकिन तथापि इन सारी चीजों को मैंने देखा, और इस क्रम में एक बात कह देना आवश्यक है कि जातक कथाओं में भी इसका हमें वर्णन देखने को मिला। और एक जातक की कथा सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और वह है कि एक सुमति नामक एक राजा हुआ करते,
और उन्होंने अपने राज्य में भ्रमण करने के क्रम में एक सुंदर युवती का देखा और वे आसक्त हो गए, मन ही मन उनसे प्यार भी करने लगे। लेकिन इसकी अभिव्यक्ति वे इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे। बाद में ज्ञात हुआ कि उसकी शादी हो गई है, तो अपने आप को उन्होंने विड्रॉ किया और उसके उपरांत उन्होंने उसके प्रति जो राग का भाव उत्पन्न हो गया था उसके उसे उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। कालांतर में उसके पति को यह ज्ञात हुआ कि यहाँ का राजा मेरी पत्नी को कुछ चाहता है, उसके प्रति आसक्त है, तो उन्होंने कहा कि राजा आप अगर इन्हें चाहते हैं तो मैं आपको इसे ध्यान में दे देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ये मेरी गलती थी आसक्त होना, और ये हमारे राजनैतिक धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर हम अपने को सुशासित न रखेंगे, अगर हम अपने आप पर शासन नहीं करेंगे, हम अपनी तृष्णाओं को अगर हम बढ़ा देंगे, तो हम समाज और अपने राज्य के लोगों को किस प्रकार नियंत्रण में रख पाएंगे। तो राज्य का धर्म हमारा यह है कि हमें तृष्णा से वंचित होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें 10 राज्य धर्म भी हैं जिसकी चर्चा उन्होंने हमारे अंगीरस जी ने भी की है। अगले बार अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर एक अलग से आख्यान अगर आप करावें तो उस पर एक अच्छी बातें निकल सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त श्रोताजन को विनम्र नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को धन्यवाद प्रोफेसर अविनाश जी। वाकई बहुत आपने बहुत सारा हमें सामग्री उपलब्ध कराती है गुड गवर्नेंस की, और मुझे अफसोस ये आता है कि हम लोगों ने आज तक इन चीज़ों को सोशल साइंटिस्ट के आगे और सरकार के आगे इन चीज़ों को क्यों नहीं रखा, इन तत्वों को क्यों नहीं रखा। क्या हम कोई प्रारूप निश्चित नहीं कर पाए, या जो कुछ हमारे पास सामग्री है उसको हम रेलिवेंट नहीं बना पाए, जो भी कोई कारण रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए और करते रहना चाहिए। अगर मैं नहीं कर पाता तो अगली आने वाली जनरेशन करे, उससे आगे वाली जनरेशन करे, और इसको हम मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में लेकर के आए। क्योंकि मुझे ये लगता है आप दोनों महानुभावों के जब मैंने ये वक्तव्य सुने हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात जैन और बौद्ध दृष्टि से ये है कि संवेदनशीलता हो, संवेदनशीलता आने पर राजा का संस्कार हो, और संस्कार होने पे फिर वो सुशासन करेगा। और प्रजा का भी संस्कार चाहिए और राजा का भी संस्कार चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सामग्री बहुत है, लेकिन उसे ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा तीखापन उसमें लाना पड़ेगा, ताकि हम दूसरों के सामने एक विकल्प भी दें और दूसरों को चुनौती भी दें। तो अस्तु, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लेकिन इससे पूर्व कि मैं मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री राघव संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के। वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरे से उनका स्वागत करना पहले रह गया था, और हालांकि वो स्वयं इसके संयोजकों में से एक हैं और वोट ऑफ थैंक्स उन्होंने प्रपोज करना है। लेकिन मैं चाहूंगा, अब ये सत्र ओपन ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जनरल साहब अपने कमेंट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम वाल्मीकि रामायण पे किया है, गुड गवर्नेंस पे किया है, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन के ऊपर पंचतंत्र के माध्यम से किया है, तो वो इस पे एक टिप्पणी करें, और फिर उसके बाद ओपन है, और फिर हम अंत में जो है प्रोफेसर वीरेंद्र जी के कमेंट्स इसके ऊपर जरूर लेंगे। जनरल साहब, आप हेलो। जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं साथ ही साथ जुड़ गया था, कहीं गया नहीं था जी, इधर उधर चला गया होगा, अलग बात है। तो मैंने पूरा जो है दोनों पर्सनालिटीज के विचार जो है बड़े ध्यान से सुने हैं। स्वामी जी ने बीच में एक बात कही थी जब इन्होंने मेंशन किया राजपुरोहित का रोल, राजपुरोहित का रोल,
हेलो, जी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, राजपुरोहित का रोल। तो जब इन्होंने राजपुरोहित की बात कही, मेरे दिमाग में एकदम से जो है, बचपन में जो हम पुरानी पिक्चरें देखा करते थे राम राज्य के ऊपर या और, वो एकदम से घूम गई कि जो बड़े से बड़ा राजा था वो भी राजपुरोहित के सामने हाथ जोड़कर कैसे नतमस्तक हो जाता था। अब मैं उसको ऐसे सोचता रहा, ये सारे पिछले 45 मिनट में जो हो रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या बात आई, जो जो स्वामी जी ने कहा कि उस जमाने में राजपुरोहित का जो रोल होता था, वो उसी को मैं इस तरह से कहता हूं कि चेक एंड बैलेंस, उसी को जो है हम शायद बाद में जाकर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बना, उसी का एक अलग वर्षन बना कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा पावर या ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इफ नॉट इंडिविजुअल, जो शासक के ऊपर जो है कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर निगरानी रख सके, कहीं वो निरंकुश तो नहीं हो रहा, कहीं वो अपनी पावर्स को मिसयूज तो नहीं करने चल रहा। तो ये मैं ऐसे जब सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या आया कि राजपुरोहित का रोल करने के लिए हमारे समय में, हमारे संविधान में, या कह लीजिए कि हमारे अब हम जो करंट जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं जिनका काम है कि वो देखे कि शासक जो है अपनी पावर से एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो यहां पर जो है, मैं ऐसे देखते देखते, आशुतोष जी अगर आप स्क्रीन शेयर की अलाउ करें, जी जी मैं दो जी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ या तीन स्लाइड। जी 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 कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। ओके, एक सेकंड, ये स्लाइड जो है तो आ नहीं रहा अलाउ नहीं वाला नहीं मुझे। आएगा 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 अच्छा, ये जी। स्लाइड जो है ये रामायण से नहीं है। नहीं अभी स्लाइड आई नहीं, पहले शेयर कीजिए उसको, प्रेजेंट नाउ पे जाएं। एक सेकंड, मैं प्रेजेंट नाउ पे आ गया हूँ, देख रहे हैं आप? नहीं सर अभी नहीं, आपका हाँ अब आया है। जी आया जी ना, मैं आगे हाँ चल रहा हूँ, दिखाना जी जी चाहता हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ। एक सेकंड, ये जो गुड गवर्नेंस के ऊपर एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आज जो शेयर करने चाह रहा हूँ, जो स्वामी जी ने बात कही है उसी से मेरे को जो कुछ जो क्लू मिला है वो मैं एज पर महाभारता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस एज पर महाभारता। ये आपको ख्याल होगा कि भीष्म पितामह बानों की शैया पर जब लेटे हुए हैं तो उनके पास जब युधिष्ठिर जाते हैं और दुर्योधन जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनको उम्मीद है कि हम जो है ये युद्ध जीत जाएंगे दोनों को, तो उनसे पूछते हैं कि हम क्या ऐसा करें अगर हम शासक बन जाए। तो भीष्म पितामह जो उनको कह रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है, उसमें से मैं दो तीन स्लाइड्स आपको दिखाना चाहता हूँ। गवर्नेंस इज द नेम ऑफ लिमिट्स सेट टू कीप पीपल फ्रॉम कंफ्यूजन ऑफ एनार्की एंड टू प्रोटेक्ट द म्यूचुअल कंडीशंस ऑफ लाइफ। नंबर वन, इट इज फ्रॉम द फियर ऑफ गवर्नेंस दैट पीपल डू नॉट कंज्यूम ईच अदर, इट इज अपॉन गवर्नेंस दैट ऑल ऑर्डर इज बेस्ड। अब इससे, इसी के साथ जो जुड़ी हुई बात है जो अगली स्लाइड में है, आप यहां देखें कि ये क्या लिखा हुआ है। इट इज सेकंड में, इट इज इट्स पर्पस लाइज इन प्रोटेक्टिंग द स्मॉल फिश फ्रॉम द बिग फिश। महाभारता वॉर्न्स दैट द स्टेट मस्ट नॉट टर्न इटसेल्फ इनटू द बिगेस्ट फिश ऑफ ऑल। मैं क्या सही कहना चाहता हूं, है हो क्या रहा है, कई 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 हम कई डिकेड से देख रहे हैं, स्टेट ही बिग फिश बन चुकी है, स्टेट ही बिग फिश बन चुकी है, जो जिसको कहते हैं कि जो राजा है वो निरंकुश अगर हो जाए तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। ये हमने हिटलर के टाइम पर देखा, हमने मुसोलिनी के टाइम पर देखा, औरों के टाइम पर देखा। तो हो क्या रहा है कि वो जो स्वामी जी ने बात कही कि वो राजपुरोहित कहाँ गए, वो चेक एंड जी बैलेंस कहाँ गए, वो चेक एंड बैलेंस के इंस्टीट्यूशंस भी अगर राजा की आवाज बोलना शुरू कर दे तो फिर एक सबसे बड़ी मछली है वो सारी मछलियों को खा जाएगी। तो ऐसे में होता क्या है, व्हेन दैट हैपेंस देयर इज ऑपरेशन एंड टेरर एंड अधर्मा बाय द स्टेट। तो शासक जो है वो धर्म अनुसार नहीं, अधर्म अनुसार शासन करना शुरू कर देता है। अब मैं इस चीज को यहां से छोड़ देता हूं, महाभारत को मैं विदुर नीति के जो है एक स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं। ये थोड़ी सी स्लाइड दूसरी है, महाभारत रिलेटेड है, कभी आएगा समय तो इसके ऊपर भी एक करेंगे महाभारत जी जी के जी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल एक मैं आगे आ रहा हूं जरा, विदुर नीति। अब विदुर नीति क्या कहती है, विदुर नीति कहती है ए वाइज किंग शुड डिस्क्रिमिनेट द टू विद द हेल्प ऑफ वन,
must control the three by means of four. He has to conquer the five, know the six, and abstain from seven. अब एक की मदद से दो में फर्क करना है भाई, किसकी मदद से किस में फर्क करना है? अब वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो क्या कहते हैं कि बाय वन इज मेंट द इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से राजा को गलत और सही का फर्क करना है। ठीक है, इससे पहले कहा गया था कि शुड डिस्क्रिमिनेट द टू विद द हेल्प ऑफ वन, मस्ट कंट्रोल द थ्री बाय मींस ऑफ फोर। एक चीज से दो में फर्क किया और उसके बाद तीन कौन सी चीजें हैं, फ्रेंड, स्ट्रीजन एंड एनिमी, मित्र, अजनबी और दुश्मन, चार, इन चारों की मदद से, साम दाम दंड भेद की मदद से दुश्मन को, अजनबी को और दोस्त को अपने काबू में रखना है। और पांच का मतलब है कि पांचों सेंसेस को कंट्रोल करना है, और छह का मतलब है कि युद्ध, संधि, वॉर, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, इनकी तरफ ख्याल करना है, और सातवां क्या है, किन सात चीजों से बचना है। अब मैं ये कहना क्या चाहता हूं, ये उस स्लाइड का एक हिस्सा था, मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैं इस सारे संदर्भ में जब मैं देखता हूं कि उस जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में बहुत बढ़िया था, उस जमाने में राम राज्य था, उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य से, विक्रमादित्य से लेकर सम्राट अशोक, बहुत बढ़िया था। अब क्या है, तो अब क्या करें? इसीलिए आप सब लोगों के सामने, द टाइम हैज कम व्हेन देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द पॉलिटिशियंस हु आर इन द पावर। हम सभी जो है जॉब करते आए हैं, बहुत से लोग अभी भी जॉब कर भी रहेंगे, हमारी तो सबकी एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, हमारी एक ACR होती है, हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, इनको अचीव करो, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो अथॉरिटी होती है वो रिव्यू करती है ईयर एंड में कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या हमारे शासक की, हमारे शासकों की, हमारे राजनेताओं की कोई परफॉर्मेंस का अप्रेजल सिस्टम इस देश में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक क्लर्क का हो सकता है, एक चपरासी का हो सकता है, एक ऑफिसर का हो सकता है, तो एक नेता का क्यों नहीं हो सकता? अब वो अप्रेजल सिस्टम कैसे हो, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अब सब तो ज्यादा कदम उठाएं, हम पास्ट में बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बीच में जो भी 1000 साल 2000 साल गड़बड़ हुई वो भी सब लोगों को पता है। अब उस पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिलाकर हम एक प्रपोजल जो है आगे लोगों के मन में जो है ये चीज डालनी शुरू कर दे कि आप लोग, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट को कहिए कि तुम्हारा एजेंडा जो था उसकी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या साल बाद आकर उसकी परफॉर्मेंस का एक अप्रेजल दो, वेबसाइट के ऊपर डालो, हमें जो है बताओ कि जो तुम कर दोगे, उसके जो वादे करने की स्पीच दिया करते थे, जो कर दिया है उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ही एक तरह से लोगों को राज पुरोहित की तरह खड़ा करेगा, लोगों की रियल डेमोक्रेसी को आगे लेकर आएगा, जिससे एक शासक के ऊपर एक कंट्रोल और थ्योरी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस आएगा। क्योंकि अगर शासक निरंकुश हो गया तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो चेक एंड बैलेंस करने वाली है उनको भी अपने कब्जे में कर लेता है, और फिर जो घमंडी और अहंकारी शासक है उसको लगता है कि मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा, उसको फिर अल्टीमेटली लोगों की ही बात सुननी पड़ती है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद तो 5 साल का इंतजार क्यों करें? समय आ गया है जब नागरिक जिम्मेदार हों, नागरिक जागरूक हों और अपने अपने लेवल पर कहे कि जनाब आपके मैनिफेस्टो में, आपके एजेंडा में ये चीजें थी, बताइए किसकी प्रोग्रेस क्या है। मैं गुड गवर्नेंस को आज और आने वाले समय में इस एंगल से देखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जनरल साहब, ये बात बहुत जरूरी भी है कि अप्रेजल हम करें, और ये जो आपने स्लाइड्स दिखाई हैं और जो आज हमने दोनों वक्तव्य सुने हैं, इनको ध्यान में रखकर के अगर हम कोई एक ऐसा परफॉर्मा बना सकें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल का, मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और कोशिश करें कि हम इसको एक डायरेक्टिव, इसको जो है कॉमन डिस्कोर्स में लेकर आए, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में लेकर के आए, उसके लिए थोड़ी एफर्ट्स जरूर करनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस पे काम कर सकते हैं।
आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश जी भी, आप लोग और बाकी लोग भी, आप लोगों के सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे और निश्चित रूप से इसका पार्ट टू मुझे लगता है हम एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है उसको लेकर के हम बात करेंगे कि मॉडर्न डे के साथ जो सिचुएशंस हैं क्या उनको रिजॉल्व करने में ये संस्कृत के शास्त्र, जैन शास्त्र, बौद्ध शास्त्र क्या हेल्प करते हैं कि नहीं करते, या कहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, इस बात को समझने का प्रयास हम करेंगे। तो आमंत्रित हैं आप लोगों की टिप्पणियां या जो भी आप संक्षेप में कहना चाहें स्वागत है, ताकि उसके बाद फिर हम आमंत्रित करें प्रोफेसर वीरेंद्र जी को और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन संजीव जी करेंगे। किसी की कोई टिप्पणी है, कोई वक्तव्य? जी अविनाश जी। कोई टिप्पणी नहीं है, सूचना देनी है जी जी साहब को कि अभी इन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही है, और मैं चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र की जो मैं चर्चा कर रहा था तो उसमें जो राजा अपने एक प्रजा में एक चुना हुआ व्यक्ति है उसे कहता है कि यह तुम्हारा धर्म है कि जाकर के वह चक्र रत्न को देखता रहे कि वह अपने स्थान पर स्थिर है या नहीं। जी। तो प्रकारांतर से जर्नल साहब की भावना को विंडिकेट करता है कि यहाँ जनता भी जो है जागरूक है और उसे एक चेक एंड बैलेंस देना चाहिए। तो वो चक्र रत्न देखने का तात्पर्य है कि वहाँ सुशासन है या नहीं, इसकी सूचना राजा को बराबर मिलती रहनी चाहिए प्रजा और उसके सभासदों को। ये मैं संबोधित कर रहा था। और जी जी, बल्कि ये चीज इसी का भाव जो है वो महाभारत में भी दिखाई देता है, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा, इस तरह के जब हमें वक्तव्य पढ़ने को मिलते हैं तो सुशासन जो है वो निरंतर जागरूकता की स्थिति है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको हम और व्यापक देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो ठीक है, कोई प्रश्न है तो भी स्वागत है, और सहमति है तो उसका तो बहुत ही स्वागत है। तो चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र जी को कि उनके हम कमेंट्स, उनके क्रिटिकल इवेल्युएशन इस सारे विषय के बारे में क्या है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो इस विषय में अपना मंतव्य रखें हमारे साथ। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, नहीं मेरा ख्याल है नहीं शायद। हाँ जी जरूर पूछ लें। तब सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान संदर्भ में आजकल हमारे देश में एक किसान आंदोलन के नाम से एक चल रहा है आंदोलन, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमसे मुझसे पहले सुशासन की बात की गई है कि जैसे रामायण में बात होती है, महाभारत में बात होती है, या फिर किराता अर्जुनीयम में सुशासन तंत्र के बारे में एक बहुत विशद व्याख्या की गई है, लेकिन हम पिछले दिनों से जो हम जिस सरकार में हम जिस सरकार के अंदर हम कार्य कर रहे हैं तो सरकार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रही है। जैसे भरत भरत से राम पूछते हैं, जब भरत राम के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लागू किए गए फैसलों पर जनता खुश है, प्रजा खुश होती है कि नहीं होती है, संतुष्ट है या नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रही है। अपनी नीतियां तो अच्छी अच्छी ला रही है लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है। तो उसको कैसे, अगर हम कुछ उसमें ऐसी नीतियां, ऐसा कुछ सुझाव दे सके जिससे कि कुछ सार्थक प्रयास हो सके। ये तो विचार करने की बात है कि क्यों नहीं कर पा रही है। दो एक चीजें होती हैं, एक होती है कि शासक की मंशा, दूसरा है कि उसको मंशा के साथ साथ काम करने का तरीका। मंशा अच्छी हो सकती है लेकिन काम करने का तरीका इतना अच्छा नहीं हो सकता जिसकी वजह से उसकी जो मंशा है उसका आगे जाकर कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या ये भी हो सकता है कि मंशा भी ठीक नहीं है,
ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी आपने जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन में गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है या उनका पॉइंट ये है, एक इशू है, वो इशू जो है एक शासक को लगता है कि ये ठीक है, दूसरे को लगता है ये ठीक नहीं है। तो अब उसमें जो है ना जिद दोनों जगह अगर हो जाए तो फिर जो है बात जो है वो क्या है कि आगे अच्छी तरह से नहीं चलती है। तो इसलिए जो है ना बात वहीं पर आ जाती है कि प्रजा के लिए क्या अच्छा है, इसके लिए शासक फैसला करता है कि ये अच्छा है। लेकिन ना प्रजा को भेड़ बकरी तो है नहीं है, वो अनपढ़ लोग तो है नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं है कि किसी को किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं। हम 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया के टाइम में हम पड़क से करें गूगल के ऊपर ये सर्च इंफॉर्मेशन सारी जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आप कहो कि नहीं तेरे से ज्यादा मेरे को ज्यादा पता है, ये एक अहंकार, ये अहंकार भी शासक में आना अच्छी बात नहीं होती है। अरे भाई जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात रामायणा में जो कही गई है उसमें वो क्या कहते हैं कि हे भरत, 1000 बेवकूफों की बजाय एक अकलमंद तुम्हारा मंत्री होना वो बहुत जरूरी है, और आपने जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो है जब डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन आपने बहुत डिटेल में करनी है, डीप जानी है, प्रजा की नब्ज को पकड़ कर जो है डिस्कशन करनी है, और उसके बाद आपने जो है कोई कार्य करना है। अब आपके सामने जो हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें जो है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं और बाकी कुछ नहीं जानते, ये एक 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 जो एक इमेज जो उभर कर आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो एक डेंजरस चीज है, वो एक डेंजरस चीज है। मैं कहता हूँ वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक होना या गलत होना अलग बात है, लेकिन एक मैसेज आना जो है वो एक बहुत गलत चीज जो है जा रही है। अब आपके आपके लिए जैसे किसी ने उसने एग्जांपल दी थी, वो टीवी चैनल पर एक डिबेट हो रही थी, उसने कहा कि अच्छा अगर कल को ये कानून बना दिया जाए कि टीवी एंकर जो है सुबह चैनल पर आने से पहले पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगाएंगे, वो कहेंगे तुम्हारे फायदे के लिए है। अब भाई फायदे के लिए है कि नहीं है ये अलग बात है, फैसला एक डिसीजन लेना एक अलग बात है। तो हो क्या रहा है कि एक एक हॉचपॉच सा सिनेरियो बनना शुरू हो गया, हॉचपॉच दोनों तरफ से, शासन की तरफ से भी और जिनके ऊपर शासन किया जा रहा उनकी तरफ से भी। तो सिचुएशन जो है इट्स वेरी वेरी बिकमिंग कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। ठीक है, ये अच्छी बात आपने कही है, और इसीलिए शास्त्र जो है वो काम आते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं। तो लेकिन ये सारी बात अभी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से अगली बार फिर लेंगे। तो समय हमारा हो रहा है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राघव संजीव घारू जी को, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और अपनी बात भी हमारे साथ साझी करें, और उसके बाद हम आज का जो सत्र है समाप्त करेंगे। श्री संजीव जी। धन्यवाद धन्यवाद, माफी चाहूंगा सभी से, मैं थोड़ा सा समय पर नहीं जुड़ पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ डॉक्टर अंगिरस जी से और हमारे जो आज के अतिथि हैं जो वक्ता हैं दोनों उनसे भी। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा परम आदरणीय जैन आचार्य पद्म मुनि जी महाराज जी का, जिन्होंने अपना मंतव्य दिया और हमें जैन शास्त्रों से रूबरू करवाया, और वहीं उन्होंने जो सुशासन की बात की, राज की बात की, जो शासन बिना धर्म के नहीं चल सकता, और स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि कृष्ण एक राजा होने के पश्चात भी किस प्रकार से शांति का प्रस्ताव लेकर वो कौरवों के पास गए, और सुशासन की बात उन्होंने हमें जिन शब्दों में जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाई उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे आयोजकों की ओर से, कि उन्होंने जिस प्रकार से बौद्ध राजाओं के सुशासन बारे में जानकारी, जो अमूल्य जानकारी दी, इस प्रकार की जानकारी को प्रसारित करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मैं यहाँ एक पक्ष रखना चाहूंगा आप सभी से इजाजत लेकर, कि आज बुद्ध के नाम पर जिस प्रकार से कुशासन फैलाने का प्रयास निरंतर जारी है उसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बात निकल कर आई कि बिहार बिना सुशासन के नहीं चलते थे। बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज बिना अनुशासन के या सुशासन के नहीं चल सकती, लेकिन आज कुछ लोगों द्वारा या कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा या कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा
बुद्ध को आगे करके उसको जातीय रंग देकर बुद्ध को सीमाओं तक बांधने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार की जो चीजें हैं वही हमें इन चीजों को से बाहर निकालने का काम कर सकती है। तो जरूरी है इस प्रकार का प्रचार और प्रसार निरंतर रहे। जो डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है वो आम जन तक हम पहुंचाने का काम करें। वहीं मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मेजर अमिल शौरी जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस की बात की, राजपुरोहित का उदाहरण उन्होंने लिया, स्वयं शौरी जी गुड गवर्नेंस तो लिख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल की बात उन्होंने की जिसका डॉक्टर अंगीरस जी ने भी अनुमोदन किया। तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन सभी चीजें हम करेंगे तो अन्य जो शिक्षाविद हैं वो क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक और बात कही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो शिक्षाविद हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचे। और मैं तो यहाँ पर अपना एक पक्ष रखना चाहूंगा कि जैन बौद्ध व अन्य शास्त्रों से जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आज, क्या हमारे शिक्षाविदों को इस प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में या हमारे शास्त्रों में, चाहे वो जैन है, बौद्ध है या सनातन परंपरा से जुड़े तमाम जो शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं, उसमें सुशासन सिद्धांत इतने हैं जो पाठ्यक्रम में जुड़े जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यूरोपीय शिक्षा पद्धति या अन्य प्रकार के उदाहरण या इस प्रकार की चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, हमें मतलब बच्चों को पढ़ाई जा रही है। हमने भी हमारे समय भी ऐसा ही था जब हम पढ़ते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो पाश्चात्य होती हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत हमारी अपनी संस्कृति में हैं तो वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय जो हमें दिया इस वेबिनार में, और स्वामी जी के जो आशीर्वचन और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और चलते चलते मैं एक छोटा सा वर्तमान में जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, कभी कभी विषय से थोड़ा सा अलग एक मन में अगर प्रश्न हो आ जाए तो उसको रख देना चाहिए। ऐसा ही एक कभी हमारे साथी हैं जिन्होंने प्रश्न किया किसान आंदोलन पर, और मेजर शौरी जी ने उनका जवाब भी दिया, लेकिन मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा यदि हम सुशासन की बात करते हैं तो इसके पैरेलल सुशासन की बात करें, बहुत सारी ऐसी संस्कृति ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ कुशासन पर चलता है, जिसका उदाहरण अगर हम बख्तियार खिलजी के दस्तों की बात करें तो कुछ ही घंटों में उन्होंने 15,000 परम ज्ञानी भिक्षुकों का जो शिरोच्छेद कर दिया था। ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रदर्शन आवश्यक है बशर्ते उसमें समाज को फायदा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें पैरेलल चलनी पड़ेंगी। 1946 1948 में भारत विभाजन के समय जो सनातनियों का नरसंहार हुआ वो भी एक सुशासन और कुशासन के साथ हम देख सकते हैं, या फिर हम कश्मीर के हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से उनको मौत के घाट उतारा गया, उनको वहां से पलायन करना पड़ा, ये भी सुशासन और सुशासन की संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। तो सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का कार्य है, हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन हमें आज का जो हमारा विषय था कि सुशासन को किस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं, और आज का दिन जो डॉक्टर अंगिरस जी ने चुना, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परमश्रद्धे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के, और जिन्होंने गुड गवर्नेंस के सूत्रधार थे वो आज वर्तमान भारत के, और उनकी जयंती पर ये जो कार्यक्रम रखा और ये जो वेबिनार का विषय चुना, मैं उसके लिए भी डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि आयोजक बहुत मेहनत करके और बहुत प्रयास करने के पश्चात किसी चीज का मंथन कर कर सबके सामने लाते हैं, लेकिन उनका धन्यवाद रह जाता है। तो डॉक्टर अंगिरस जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा धन्यवाद हो गया, अब आप संभालिए डॉक्टर। धन्यवाद संजीव जी, मेरा धन्यवाद नहीं करना है क्योंकि मैं तो स्वयं दूसरों से ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहता हूँ, इसीलिए ये सारे आयोजन होते हैं। तो बल्कि मेरे ओर से आप सबके प्रति आभार है, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि और आज तो विशेष रूप से आप दोनों
लोगों ने जिस तरह से महानुभावों ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं, आगे की कई संभावनाएं खुली हैं। निश्चित रूप से इनके ऊपर हम काम करेंगे और देखते हैं कि आगे हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा कि किसी तरह से इसको मेन जो डिस्कोर्स है उसके बीच में हम लेकर के आए, पब्लिक नरेटिव का इसको हिस्सा बनाए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ हो और अपनी परंपरा पर आश्रित हो। उसके लिए हमें बाहर की आवश्यकताएं नहीं है कि जो कुछ सोचा जाएगा वही सोचा जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, और देख लीजिए किसी ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो मैं दोबारा उसको शेयर कर देता हूँ लिंक चैट बॉक्स में, तो कृपया उसको भर दीजिए। धन्यवाद सर, प्रोफेसर अविनाश जी, आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन जी दिल्ली से जुड़े हैं, धन्यवाद सर, आपने पूरे धैर्य से सुना। आपकी टीम का दिल से आभार प्रकट करता हूं और एक निवेदन प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ऐसे ही किसी मौके पर प्राकृत जी भाषा और प्राकृत व्याकरण पर अवश्य कोई वेबिनार आयोजित करें, तो उस जी समय जी भी कुछ बातें मैं रखने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। जी जी निश्चित रूप से मेरी इच्छा तो है कि एक जो है जैनिज्म के ऊपर भी 6 दिन का या 5 दिन का कोर्स हो, ऐसे ही बुद्धिज्म के ऊपर, कि विषयों के बारे में पता नहीं होता है, वो केवल एक धार्मिक खत्म कर देते हैं, उसके जो तत्व हैं, उसकी जो सोशियोलॉजी है, उसकी जो फिलोसफी है, उसके ऊपर इच्छा है। देखते हैं ये संकल्प कब पूरा जल्दी कर पाते हैं। निश्चित रूप से कृपा से होगा, आपकी कृपा से ये सब पूरा होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सभी लोग डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया विषय है आज का, बहुत ज्ञान, जो बहुत ज्ञानवर्धक रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही बढ़िया और नई बातें जो है इंटरप्रिटेशन करके डाली, आपका भी धन्यवाद इनका भी धन्यवाद। तो बल्कि मैं चाहता था कि उसको हम और व्यापक दृष्टि से ले लेते तो फिर वो हाँ जी हाँ संस्कृत जी शास्त्रों की बाकी बातें भी बीच में एडअप हो जाती। तो हाँ जी जैसे हाँ जी हाँ तुम जी हाँ उसमें बात कर रहे थे रामायण और हाँ महाभारत और पंचतंत्र से, गुड गवर्नेंस, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, आपका जो चलो उत्साह बना रहता है, थैंक यू सर, ठीक थैंक यू। है। बहुत बहुत सुंदर आयोजन, आयोजक को बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्ता धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छे थे, और आगे फिर इसको जो आपका समीकरण हुआ उसको आगे बढ़ाया जाए तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। आपको धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं मेरे। हाँ जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैडम रूपिका धन्यवाद, भावना, प्रेमचंद जी, प्रभजीत जी, प्रभजीत कौर मैम, थैंक यू सो मच, चंचल शर्मा जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक गुड यू फॉर आफ्टरनून, ज्वाइनिंग अस। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। ऐसे मैसेज भेजते रहिए तो हम ज्वाइन करेंगे। बहुत ही बढ़िया था सेशन, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, वेलकम मैम, थैंक यू। बहुत सारी नई बातें जानने मिली, अच्छा लगा। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सर।